हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में जिसके अंदर में फ्रेंड्स जो आ, क्लास का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली जो है फ्रेंड्स क्लास आ गई है और हमने जो इतनी बड़ी बड़ी जो सपनों वाली क्लासेस की थी उसका हमने एक टेस्ट लिया था पचास क्वेश्चन का टेस्ट लिया था मैं उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है बच्चों ने भी कहा था कल रात में कि सर क्वेश्चन uh, बहुत बढ़िया लेवल के थे कन्फ्यूज़ करने वाले क्वेश्चन थे जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इसमें आपकी मैक्सिमम रिविज़न होने वाली है पूरा लास्ट तक अच्छे से आप लोगों ने देखना है साथ ही साथ हमने क्या किया मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ हमने क्या किया Uh, अब समझ लीजिए एक मिनट हमने क्लासेस uh, ली बड़ी बड़ी क्लासेस ली और क्लास लेने के बाद में हमने उसके ऊपर में बेस्ड टेस्ट कंडक्ट की हमने टेस्ट ली और यह देखा कि कितना आपने रिवीजन किया मैंने बच्चों से कहा था कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ डी मिल गया आप लोगों को क्लासेस मिल गई और आपसे कहा था कि आप लोग उसको रिवाइज कीजिए जो मिड में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको भी आप पढ़ के आइए बच्चे पढ़ के आए हैं मैंने चैलेंज दिया था कि आप लोगों ने फिफ्टी प्लस में को लाकर कर दिखाइए ठीक है कुछ बच्चों ने वो भी करके दिखाया है फ्रेंड्स और जो टेस्ट है उसका रिजल्ट आप लोगों का फाइनली आ गया है मिनट लूंगा आप आप लोगों लोगों का ठीक सबसे पहले तो एक कोट आप लोगों के लिए एवरी विन विन इज सेलिब्रेशन नॉट बिकॉज इट्स अ इसलिए नहीं क्योंकि वो जीते हैं क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने हार्ड वर्क किया था उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है वो सार्थक हो गया है आपको क्या लगता है कि एक दिन आए वो और टेस्ट दिए और उन्होंने जो है क्लियर कर लिया इतने हजारों बच्चों के अंदर में नहीं फ्रेंड्स इसके पीछे उनका वो जो वर्क था एक एक पॉइंट जो मैंने उनसे कहा था कि एक एक क्लास को तीन तीन चार चार बार रिवाइज करो पीडीएफ को बार बार पढ़ो जो टेस्ट प्रोवाइड किए उसको बार बार करो वो किया उन्होंने तो एवरी विन इज नॉट अ सेलिब्रेशन एवरी विन इज अ सेलिब्रेशन नॉट बिकॉज इट्स अ विन बट बिकॉज ऑल द हार्ड वर्क दैट बिहाइंड इट ठीक है ये याद रखना है और फाइनली आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने है ठीक है जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने सबसे पहले जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं श्वेता कुमारी जी है कॉन्ग्रेचुलेशन कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट है आप लोगों का ये ठीक है थीके? और ग्यारह बज के चालीस मिनट का समय दिया था ग्यारह बज के चालीस मिनट पर हमने लीडर बोर्ड को कैप्चर कर लिया था ठीक है तो सबसे पहले यहां पर मैं आपके श्वेता कुमारी जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ अलीम जी है ठीक है एम डी शाहनवाज आलम आबा उमर मानसवी भट्ट मानसवी भट्ट का हम लोगों ने ढूंढा वो डी ट्री प्लस भी बैच किया लेकिन उन्होंने बीपीएससी वाले के अंदर में जाके टॉप के अंदर में आ गई है कांग्रेचुलेशन आपको ज्योति जी आपको ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है ठीक है तो आपको भी कांग्रेचुलेशन गोपाल कृष्ण सौरव सिंह ठीक है मुस्तकीन आलम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और यहाँ पर मैं सौरव सिंह मुस्तकी शाह आलम चलो ये तो वो वाले आ गए हैं यहाँ पर में ठीक है उसके बाद में विनय यादव रिधि मल्होत्रा मोनिका कुमारी जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं तो ये सारे के सारे बच्चे जिनका यहाँ पर मैं जिन्होंने टॉप किया है उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को और मैंने कहा था कि आप लोगों को चैलेंज कि कितने बच्चे जो 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं तो इनमें तीन बच्चे हमें मिले जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 लाया है उन लोगों की भी बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड जल्दी से हमारे क्वेश्चन की तरफ में पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स अब आप लोगों को यहाँ पर मैं आवाज आ रही होगी ठीक है जितने भी लोग हैं यहाँ पर मैं एक बार कंफर्म कर देंगे अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं भारत का गवर्नर जनरल जो है कब बनाया गया था तो भारत का गवर्नर जनरल जो है ये बनाया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का एटीन के एक्ट के जरिए इसको हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा हुआ है पूरा का पूरा हमने देखा था कि किस प्रकार से पहले इंडिपेंडेंस के पहले जो आप लोगों के कानून होते थे ठीक है जितने भी कानून होते थे इंडिपेंडेंस के पहले वाले उनमें और फिर बाद में क्या फर्क आप लोगों को देखने के लिए मिला तो इंडिपेंडेंस के पहले जो कानून थे आप लोगों के फ्रेंड्स उसके अंदर में आपको याद रखना है कि सेवनटीन का जो कानून था आप लोगों का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन इसके जरिए रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए जो है आ, गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल की पोस्ट को गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था ठीक है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है कितने लोगों ने सही लगाया था आंसर वो बता देंगे यहां पर एग्जाम में आपके सगा पढ़ाए हुए सेम क्वेश्चन छपे थे बाबुल त्रिपाठी बोल रहे जी बिल्कुल मैंने अभी आर ओ आरो वाला पेपर जो है मेरे पास में भी आया है और हमने देखा कि ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक तो बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम क्लियर करवाने वाली थी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं बताइए डीपीएसपी को कौन से देश के संविधान से लिया गया है ये आप लोगों ने बताना है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको लिया गया है फ्रेंड्स आप लोगों का ठीक है डीपीएसपी जल्दी बताइए डीपीएसपी को लिया गया है आप लोगों का आयरलैंड के संविधान से आयरलैंड आयरलैंड ऑप्शन में दिया है क्या नहीं दिया है आंसर क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा आप लोगों का नन ऑफ दी अबो देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था काफी सारे बच्चों ने आंसर लगा दिए होंगे ठीक है आंसर आपका आयरलैंड होना चाहिए आयरलैंड इसी वजह से आंसर इज नन ऑफ दी अबो तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिए हुए थे आपको और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स आने वाली जो सपनों वाली क्लास है आप लोगों की की चार के बाद में हर पांचवी क्लास क्लास आपकी सपनों वाली क्लास की टेस्ट होंगी ठीक है तो अच्छा, अब वापस से आप लोगों ने जो आने वाली क्लासेस है जो आज से होंगी आप लोगों की उसको अच्छे से देखना है आपने और उसके बाद में फिर से ठीक है कोशिश करनी है कि आप टॉप टेन के अंदर में आ जाओ करके ठीक है चलिए उसके बाद में फ्रेंड डीपीएसपी ठीक है आप लोगों का इसके अंदर में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है वेलफेयर स्टेट की कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है कि हमारा देश जो है वो कल्याणकारी राज्य रहेगा राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद है डीपीएसपी का और आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है कहाँ से कौन कौन सी चीजें ली गई है ये भी आप देख सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर में भी दी गई है टेस्ट के ठीक है रशिया में से यूएसएसआर में से हमने क्या लिया था ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज हमने वहां से लिया हुआ है ठीक है हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स प्रीएम्बल के अंदर में जो जस्टिस वाला आइडिया है वो हमने लिया हुआ है ठीक है रशिया के संविधान से तो ये आप लोग थोड़ा सा कोई याद रखेंगे फाइव ईयर प्लान हम लोगों ने रशिया से लिया यूएसएसआर से ठीक है फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने रिपब्लिक का आइडिया लिया हुआ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ठीक है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता का आइडिया जो है हमने फ्रांस के फ्रांसीसी क्रांति से लिया था स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा डाला मान जाएंगे कि उस बच्चे ने सही में अच्छे से पढ़ा है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज जो भी बच्चा जिस बच्चे ने पूरी सपने वाली क्लास अच्छे से देखी है वो आराम से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा कि गवर्नर जनरल जो थे ठीक है आजाद भारत के सबसे पहले बने आपके लॉर्ड माउंट बैटेन ठीक है लॉर्ड माउंट बैटन माउंट ठीक है बैटन जो है ये पहले गवर्नर जनरल बने थे आप लोगों के ठीक है और उसके बाद में सेकेंड नंबर पर बने सी राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी ये दो ही गवर्नर जनरल थे जो बने थे तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना था कि दो गवर्नर जनरल बने हैं और दोनों के दोनों गवर्नर जनरल ठीक है आजाद भारत में बने थे अगर आपसे बोला जाए कि आ, जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो उसका आंसर आप लोगों का था फ्रेंड्स सी राजगोपालचार्य लेकिन आपसे गवर्नर जनरल बोला गया है और आपको बताया हुआ था कि भाई भारत में दो गवर्नर जनरल बने ठीक है 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे और फिर उसके बाद में सी राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी इंडियन गवर्नर जनरल थे ये इंडियन नहीं थे लेकिन आजाद भारत में दो गवर्नर जनरल बने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का ठीक है ये याद रखना था आप सभी लोगों ने जितने भी लोग यहां पर में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स उन सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और जैसे मैं देख पा रहा हूं 800 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए तो सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहिए ठीक है उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह किसने कहा था हेयर ले द वुमेन हु वॉज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स ठीक है एकमात्र महिला जो इन रिबल्स के बीच में पुरुष की तरह है ये किसने कहा था जी जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा किसने यह चीज कही थी रानी लक्ष्मी बाई के बारे में यह किसने कहा था कि हेयर ले द वुमेन हु वॉज द ओनली मैन अमंग द रिबेस ठीक है तो ये ह्यू रोज ने कहा था ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड जनरल ह्यू रोज ह्यू रोज वही है जिसने जो है रानी लक्ष्मी बाई को हराया था ग्वालियर के अंदर में तो रानी लक्ष्मी बाई की मृत्यु कहाँ पर में हुई थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से कई सारे लोग रहेंगे जिनको लगेगा कि झांसी में हुई थी नहीं ग्वालियर के अंदर में इनकी मृत्यु हुई थी ये भी याद रखने आप लोगों ने जनरल ह्यू रोज उनके खिलाफ लड़ा था बाद में बोला कि एकमात्र महिला थी तो एकमात्र पुरुष थी तो मारा क्यों भाई जब इतनी अच्छी लगती थी तो इतना इतना सही था तो मारा क्यों फिर ठीक है तो जनरल ह्यू रोज जो है उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किया था और उनकी मृत्यु पर कहा था कि ये एकमात्र महिला है जो पुरुष की तरह थी ठीक है इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स कहा से कौन लड़ा था और किसने उसको सप्रेस किया था दिल्ली से बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे ठीक है और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दो दिन को कहा जाता है जॉन निकलसन जो था उसने जो है फ्रेंड्स इसको सप्रेस किया था ओके वो बात अलग है कि उसकी मृत्यु हो गई थी उसी को सप्रेस करते करते लेकिन उसी वो वहां पर में था जॉन निकलसन दिल्ली के अंदर में लखनऊ के अंदर में बेगम हजरत महल ठीक है हैनरी लॉरेंस ने यहाँ पर मैं जो है इसको दबाया था कानपुर के अंदर में नाना साहेब लड़ रहे थे कॉलिन जो है कैंपबेल थे वो उन्होंने हराया था यहां पर मैं झांसी और ग्वालियर के अंदर में जनरल ह्यू रोज ठीक है उसके बाद में बिहार के अंदर में कौन था तो विलियम टेलर था ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स विलियम टेलर बिहार के अंदर में कुंवर सिंह और जो बाकी के जो और नेता थे बिहार में उस ने उसके विद्रोह को दबाया था विलियम टेलर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जल्दी से बताइए आप लोग सपनों वाली क्लास कब होती है देखिए सपनों वाली क्लास जो है वो रोज रात में होती है आपकी ऐप के ऊपर में जो भी बच्चे जिन्होंने जो भी आ, किसी भी टी का कोई भी कोर्स है उनको उनके लिए वहां पर में लगाई गई है क्लास एक इनिशिएटिव है टीचिंग परीक्षा का ताकि आप लोगों का सपना पूरा करने में मदद कर सके तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की थी हमने देखा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दो के अंदर में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से बनाया गया ये बनाया गया था दो में बनाया गया था ठीक है बनाया गया दो में और लागू कब किया गया ये लागू किया गया आप लोगों का 2006 के अंदर में ठीक है 2006 में तो यहाँ क्या पूछा है बनाया कब गया था आप लोगों का यहां पर मैं बनाया कब गया था यहां पर मैं पूछा जा रहा है आप लोगों से ठीक है तो बनाया गया था आप लोगों का 2005 के अंदर में तो आंसर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स नन ऑफ दिया हो जाएगा क्योंकि दिया नहीं गया यहां पर मैं ठीक है बनाया कब गया था तो बनाया गया था 2005 के अंदर में ठीक है संध्या कुमारी जी आप देखिए कॉल नहीं लग रहा तो एक वाट्सएप जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में कॉल अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है बहुत सारे बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में आप व्हाट्सएप करके रख दीजिए ठीक है टीम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ई इज द करेक्ट आंसर पर हजार 2005 के अंदर में इसको बनाया गया था ये याद रखना है आप लोगों ने बनाया गया था 2005 के अंदर में ठीक है नाउ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार लिस्ट लगा दी जाए प्लीज वापस से जो लीडर बोर्ड है उसको वापस से लगा दिया जाए जस्ट एक मिनट के लिए और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स देखिए आप लोग यहाँ पर में, आ, आ, विशाल कुमार जो है यहाँ पर में है जो जिनो मतलब बेसिकली जो टॉप किए हुए हैं उन लोगों का यहाँ पर में, जो उन्होंने नंबर दिया था उनको ट्रांसफर हो चुकी है अमाउंट ठीक है अलीम खान जी को हो चुका है ट्रांसफर ठीक है पहला हम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पर में रखा हुआ था कि जो टॉप करेगा ठीक है जो टॉप करेगा ठीक है एक जस्ट अ सेकेंड यहाँ पर मैं आप लोगों का मैं लगा देता हूँ ठीक है जो टॉप करेगा श्वेता कुमारी जी ने टॉप किया है उनको जो है हम पंद्रह सौ रुपए का जो है इनाम देंगे लेकिन मैंने एक टारगेट दिया था कि जो पचास में से पचास अगर लेकर आ पाए पचास में से पचास तो उनको फाइव हंड्रेड रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फाइव हंड्रेड रुपीज तो टोटल तो जो है उनको दो हजार रुपए का इनाम मिला है ठीक है और ये दो हजार रुपये कोई मैटर नहीं करते। करता मैटर ये उनके लिए एक मोटिवेशन रहा और उन्होंने मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़े यहां पर अलीम खान अलीम जो है उनको मिला अलीम को ढूंढने में बड़ी मेहनत लग गई है इतने सारे अलीम नाम के हैं ठीक है तो आ, उसके बाद में जो यहां पर मैं इनके लिए हजार रुपए का था फ्रेंड्स और मैंने कहा था कि जो भी अगर फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी जो लेकर आएंगे उसको फाइव हंड्रेड रुपीज एस्ट्रा मिलेंगे ठीक है तो इनको भी ट्रांसफर हो चुका है मोहम्मद शाहनवाज आलम जी इसको भी हो चुका है ये यहाँ पर मैं उमर है मानसवी भट्ट है मानसी भट्ट जो है डी ट्रिपल एस भी बैच किया लेकिन फिर भी बिहार के अंदर में उन्होंने टॉप किया है, तो बहुत अच्छी बात है मतलब वो पूरी सपन वाली क्लास देख रही है उसके बाद में जो बाकी बच्चे फ्रेंड्स उन लोगों को भी ट्रांसफर हो चुके हैं अमाउंट आप देख सकते हो यहां पर मैं सारे के सारे यूपीआई आप लोगों के हैं मानसवी भट्ट है वो ठीक है ज्योति कुमारी जी है सौरभ कुमार है तो जितने भी बच्चे जिन लोगों का नंबर मिल चुका है जिनका स्विच ऑफ आ रहा था प्लीज ठीक है नंबर को स्विच ऑफ ना रखो अपना ठीक है चलिए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस, किसने और किस वर्ष की थी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना ब्लैंक ने किस वर्ष में की थी तो स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना है यहां पर में वो की थी फ्रेंड सी राजगोपालाचारी ने ठीक है सी राजगोपालाचारी ने और ये इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी 1959 के अंदर में ये भी आप लोगों को याद रखना था स्वतंत्र पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आगे में एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सी आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए यहाँ पर में ठीक है आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ सी दिख रहा है आप लोगों को डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए

उसके ऊपर में वर्कआउट हो रहा है आपने जो मिस पेमेंट कर दिया था उसके ऊपर में ठीक है चलिए तो फ्रेंड्स यहां पर मैं सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन संघ जो है उससे लिया गया है फाइव ईयर प्लान यूएसएसआर से लिया गया यूएसएसआर बोलो या रशिया बोलो ठीक है फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों की यूएसएसआर से ली गई है संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ये बार 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 आप लोगों को जो है आप लोगों को पढ़ाया है सपन वाली क्लास में फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लिए गए हैं तो यू यूएसएसआर से फाइव ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबो ठीक है मोर देन वन ऑफ दी अबो आप लोगों का आंसर हो जाएगा कितने लोगों ने सही लगाया था मोर देन वन ऑफ दी अबो आंसर ये बता देंगे जल्दी जल्दी से और जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं टीचिंग परीक्षा के द्वारा आप लोगों के लिए क्लासेस करवाई जा रही है अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और बहुत सारी क्लासेस हो तो आप लोगों का रिस्पॉस यहाँ पर में दिखना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक है फाइव ईयर प्लान और जो जस्टिस का जो आइडिया है न्याय का जो आदर्श सिद्धांत है वो लिए गए यहाँ से ठीक है ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई थी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आप लोगों का ज्वाइंट सिटिंग का concept, जो आर्टिकल नंबर 108 में वो कहां से लिया गया है तो ये यहां से लिया गया है आप लोगों का नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसको भी देखिए और इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से ठीक है आंसर कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जल्दी से मिथिला भित्ति चित्र पिथोरा भित्ति चित्र मिथिला वर्ली भित्ति चित्र तो मिथिला भित्ति चित्र जो है फ्रेंड्स ये बिहार से ये आप लोगों को पता है मिथिला ठीक है पिथोरा कहाँ से है ये बताइए मिथिला और वारली वारली कहाँ से वरली महाराष्ट्र से ये मिथिला और वरली ये आप लोगों का सही है तो आप लोगों का एक और चार तो होना ही चाहिए ऑप्शन के अंदर में जहाँ एक और चार नहीं है उसको काट दो यहाँ एक नहीं है इसको काट दो ठीक है नाउ फ्रेंड्स आगे में अगर हम लोग बढ़े कि आप लोगों की और कौन कौन सी जो पेंटिंग्स है कहाँ से है ठीक है कौन सी वाली पेंटिंग्स कहाँ से है ये आप लोगों को बताना था आप लोग बताइए मिथि मिथिला केरल से है या तमिलनाडु से है? तो ये बिल्कुल केरल से ही है फ्रेंड्स मिथिला पेंटिंग जो है आप लोगों की ये केरल से ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही है तो आप लोगों का पहला सही है ठीक है तीसरा सही है और चौथा वाला सही है तो वन थ्री एंड फोर सी इज द करेक्ट आंसर आप एक्सप्लेनेशन में यहां देख सकते हो पिथोरा पेंटिंग जो है गुजरात और राजस्थान की है ना कि पंजाब की ठीक है तो पिथोरा पेंटिंग इसको भी आप लोग प्लीज थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग ठीक है पिथोरा गुजरात और राजस्थान की है आगे में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सपनों वाली क्लास के अंदर में दिया हुआ है यह वीडियो सॉल्यूशन है आप लोगों का उसका ताकि आप लोग अच्छे से देख सके कि किस प्रकार से आंसर जो है आप लोगों के लगाने थे आप लोगों ने ठीक है जितना आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा और ज्यादा क्लासेस में यहां पर मिलूंगा आप लोगों की देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था तो मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक बिंदुसार बिहद रथ पुष्य कौन था तो आपका ये था बृहद रथ ये भी याद रखना है आप लोगों ने सी इज द करेक्ट आंसर बृहद रथ वॉज द लास्ट मौर्यन डायनेस्टी एम्पायर ठीक है अंतिम शासक था अंतिम रूलर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त तो मौर्य ने की थी ठीक है उसके बाद में बिंदुसार आया बिंदुसार बिंदुसार के बाद में अशोक आया उसके बाद में और चलते रहे और लास्ट में सबसे लास्ट में था बृहद रथ जिसकी हत्या पुष्यमित्र ने कर दी थी ठीक है तो पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य शासक बृहद रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की ठीक है

Uh, आप लोगों की कौन सी पर्वत श्रंखला है यहां पर में ये विंध्या है आप लोगों की विंध्या पर्वत श्रंखला विंध्या यहां पर विंध्यांचल है ना गंगा का मैदानी इलाका और यहां पर दक्कन का पठार दोनों के बीच में है विंध्या पर्वत श्रृंखला तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा गंगा और सिंधु का मैदानी इलाका ये दक्कन का पठार यहाँ पर मैं बीच में विंध्या पहाड़ियों की श्रृंखला जो अलग करती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के देखिए सबसे पहली बात तो एक विंध्या रेंज की सबसे ऊपरी जो है ना जो

ईस्ट दक्कन के पठार की ईस्ट वाले क्षेत्र के अंदर में आप लोगों को मिलेगा अरावली ये यहाँ पर में सबसे पुराने वाली है हमारी सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये क्वेश्चन भी करवाया है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भारत की वो है अरावली निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग क्रमशः पुराने और नए जलोड़ की पहचान करने के लिए किया जाता है ठीक है नई जलोड़ मिट्टी और पुरानी जलोड़ मिट्टी जो है उसको करने के लिए कौन किसका इस्तेमाल किया जाता है शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों का तो आपका इस्तेमाल किया जाता है खादर और बांगर का हुआ यू है फ्रेंड्स के आपको पता है कि जब नदी जो है बहती है और ऊपर से पहाड़ों पे से आती है तो अपने साथ में बहुत सारा सिल्ट वगैरह और जो है बहुत सारी चीज़ों को उखाड़ कर लेकर आती है जब बाढ़ का पानी इधर उधर जाता है तो अपने साथ में बाढ़ के पानी के साथ में उनको बिछा देती है ये जो मिट्टी बनती है इसको कहा जाता है जलोड़ मिट्टी बाढ़ के पानी के कारण जो मिट्टी बनती है उनके एज के अनुसार उसको खादर और बांगर के अंदर में बांटा जा सकता है खादर और बांगर बांगर जो है फ्रेंड्स ये आपकी सबसे पुरानी वाली मिट्टी है और खादर जो है आप लोगों की आ, न्यू वाली मिट्टी है बांगर भंगार आप बोल सकते हो पुराना वाला और खादर जो है नया वाला इस तरीके से याद रख सकते हो आप लोग आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तो जो जलोड़ मिट्टी है जलोड़ ठीक है या जिसको आप एलुवियल सॉइल बोल सकते हो एलुवियल ऊपर का जो गंगा का मैदानी इलाका है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है पुराने वाले इलाके पुरानी वाली मिट्टी जो ओल्ड मिट्टी है उसको आप बांगर के नाम से जानते हो ठीक है और जो न्यू वाली मिट्टी है जो अभी अभी बनी है कुछ हज़ार साल पहले उसको खादर के नाम से जानते हो खादर इसमें से बताइए कि ज्यादा उपजाऊ कौन सी होंगी वैसे तो एलुवियल ऑइल अपने आप में उपजाऊ मिट्टी होती है इन दोनों में से ज्यादा उपजाऊ कौन सी होंगी आप लोग कमेंट करके बताओ ठीक है तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो ओल्ड वाली है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि ये पुरानी हो चुकी है इसके ऊपर में बार बार खेती हो चुकी होंगी उसकी उर्वरकता कम हो चुकी होंगी इसके इसके अंदर में जो है वो आप लोगों को कंकर मिलते हैं कंकड़ जिस वजह से इसकी उपजाऊता और कम हो जाती है कंकड़ तो कंकर किस में मिलते हैं आप लोगों को तो बांगर में मिलते हैं और खादर के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स महीन मिट्टी मिलती है आपकी तो खादर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है एज कंपेयर टू बांगर ठीक है 2000 प्लस बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे मैं आप लोगों को और भी ज्यादा क्वेश्चन करवाता रहूंगा तो गंगा के मैदानी इलाके के अंदर में ये सारी चीजें आपको मिलती है 9 दिसंबर 1900 इसको पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है ये मैं आपको जस्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसको सप्नों वाली क्लास में पूरा एक एक पॉइंट हमने डिटेल के अंदर में पढ़ा हुआ है इसको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी ठीक है तो पहला सेशन कब हुआ था आपका संविधान सभा का ये हुआ था आपका ठीक है नौ दिसंबर उन्नीस को एक नंबर का क्वेश्चन यहां बन गया आप लोगों का इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी राजेंद्र प्रसाद ने गोविंद वल्लभ पंत शरद चंद्र बोस बोसिदानंद सिन्हा तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी सचिदानंद सिन्हा ने ठीक है तो 9 तारीख से लेकर 9 से लेकर 11 दिसंबर तक नाइन्थ से 11 दिसंबर 1946 तक ये अध्यक्ष थे ठीक है ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ग्यारह दिसंबर को ठीक है ग्यारह दिसंबर जो है उस दिन आपका जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको परमानेंट अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया था ये भी आप लोग याद रख सकते हो परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था ठीक है तो अस्थाई अध्यक्षता किसने की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, की थी। दूसरी बैठक हुई थी आप लोगों की 11 दिसंबर 1946 को और राजेंद्र प्रसाद जो है आप लोगों के संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए थे नाउ फ्रेंड्स अब आगे वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कि उपाध्यक्ष कौन थे एच सी मुखर्जी ठीक है वाइस प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के ये लिखिए आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे सभी लोग जल्दी जल जल्दी से लिखिए ठीक है एच सी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे और एक उपाध्यक्ष बाद में और बनाए गए वी टी कृष्णमाचारी एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी ये याद रखना आप लोगों ने ये उपाध्यक्ष थे बी एन राव संविधान सभा के एडवाइजर एनसीआरटी में भी दिया हुआ है बी एन राव संविधान सभा के एडवाइजर लक्ष्मीकांत में से एक पॉइंट निकाल के लाया आपके लिए सेक्रेटरी जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सचिव एच वी आर अयर ठीक है एच वी आर अयर जो जो पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज कर ले एक मिनट के अंदर में सभी लोग रेडी है मेरे साथ साथ में करोगे चलो हैरी अध्यक्ष कौन थे टेम्प्ररी अध्यक्ष कौन थे आप लोग आंसर करेंगे परमानेंट अध्यक्ष कौन थे परमानेंट अध्यक्ष ठीक है स्थायी अध्यक्ष आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ में रिवाइज करना है सभी लोगों ने उपाध्यक्ष उप उपाध्यक्ष ठीक है उपाध्यक्ष कौन थे दो थे ठीक है एक आप लोग बताएंगे दूसरा वाला भी बताएंगे आप सभी लोग कौन से थे एक बार ट्राई तो करो आप लोग जो जो आता है यहां पर मैं याद करो ठीक है एडवाइजर कौन थे एडवाइजर ठीक है एडवाइजर कौन थे ठीक है सलाहकार आंसर कीजिए जल्दी से और फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है यहां पर ठीक है इनका की सचिव कौन थे यहां पर सेक्रेटरी यहाँ सचिव ठीक है सचिव या सेक्रेटरी कौन थे ये आप लोगों ने याद रखना है ठीक है मैं थोड़ा इसको एक बार पीछे करके आगे कर लेता तो ताकि ये मिटे ना अदरवाइज वो मिट जाएगा आप लोगों का ठीक है तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे आप लोगों के ठीक है ये थे सच्चिदानंद सिन्हा सच्ची सच्ची दानंद सिन्हा ठीक है सच्चिदानंद सिन्हा परमानेंट अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद ठीक है उपाध्यक्ष कौन थे ठीक है एचसी मुखर्जी 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 एचसी मुखर्जी उसके बाद में एचसी मुखर्जी के बाद में थे वीटी कृष्णमाचारी वीटी कृष नमाचारी कृष न

ओके okay. तो आंगर ठीक है चलिए तो हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली यहां पर पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम में शुरू की गई थी सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्टोरेट सिस्टम सिस्टम किस समय में शुरू किया गया था ये आप लोगों को बताना है पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम में शुरू की गई थी तो हुआ यू था फ्रेंड्स 1909 के कानून के तहत जिसको आप लोग इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जानते हो 1909 का इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो ने इसको मिलकर बनाया था लॉर्ड मॉर्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे भारत के मामलों के मामलों सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइस राय थे तो इस समय काल के अंदर में इसको बनाया गया था और इस समय में जो मुस्लिम्स थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था पहली बार मुस्लिम्स को तो रेगुलेटिंग आ, इंडियन काउंसिल एक्ट बोलो या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909 आप लोगों का इसके अंदर में अलग निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये याद रख सकते आप सभी लोग।, से लोग देख रहे जल्दी जल्दी से करते होते रहे हाउ मेनी सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत पंचायत में ग्यारहवीं अनुसूची के द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था ठीक है तो सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप लोग ये याद रखोगे ठीक है आप लोगों का जोड़ा गया यहां पर में, और इसके तहत आपके उन्तीस विषय रखे गए थे ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है आप लोगों का उन्तीस विषय तो आंसर नन ऑफ दी अबो हो जाएगा उनतीस विषय होने चाहिए थे आप लोगों के ये याद रखेंगे आप सभी लोग उन्तीस विषय ठीक है तो आंसर आप लोगों का यहां पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ठीक है ट्वेंटी नाइन तो प्लीज़ इसको याद रखिए आप लोग ग्यारहवीं अनुसूची जो है आप लोगों की इसके तहत उनतीस uh, विषय पंचायतों को दिए गए इसके अंदर में आ जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स uh, आप लोगों का साफ सफाई का काम स्कूल कहाँ बनेंगे बाजार कहाँ लगेंगे शमशान घाट कहाँ बनेगा ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती है इन उनतीस विषयों के अंदर में ठीक है वास्कोडी गामा

ठीक है ये कहाँ का था आपका वास्कोडी गामा कहा का था पुर्तगाल का था ये भी याद रखना है देखो पुर्तगाल में लिस्बन से निकला था ये और इस तरीके से केप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ गुड होप वहां से होते हुए यहाँ पर मैं कलिकट के अंदर में आया और कलिकट के अंदर में जो है फ्रेंड्स उसने आ, जब वो वहां पहुंचा था वहां का जो शासक था किंग झमोरीन उसने उसका स्वागत किया था तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया कलिकट जो है इसको कोजी खोड़े के नाम से भी जाना जाता है ये केरल के तट के ऊपर में स्थित है इसको याद रखेंगे आप सब लोग ठीक है अच्छा इसकी मदद किसने की थी बी एस स्टेट के बिहार जो स्टेट बुक है उसके अंदर में दिया गया है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी मदद किसने की थी ठीक है तो जो एक माजिद करके एक व्यक्ति थे ठीक है ये याद रखना है आप लोगों ने जिन्होंने इनकी मदद की थी यहाँ तक पहुँचने में तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोगों का जो है भारत तक पहुँचने में वास्कोडी गामा की मदद किसने की ओके

मोहम्मद घोरी का गुलाम था ठीक है 1206 में जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु होती है तो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और दिल, जो है जो इलाका का गवर्नर हुआ करता था वो उस, उस इलाके का सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी करेक्ट आंसर ये आप देख सकते हो इसने कुतुब मीनार बनवाया था ये याद रखना है आप लोगों ने इसके अलावा इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि अपने लेखकों को लाखों लाखों लाखो अशरफिया दान में दिया करता था ये और बारह सौ दस में पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में यह एक मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली की पहली मस्जिद है उसका निर्माण भी उसी ने करवाया था ठीक है तो इस तरीके से गुलाम वंश के जो शासक है जिनको मामलुक वंश के शासक भी कहा जाता है ठीक है उसका यह पहला शासक था ठीक है पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गृह मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे सारे के सारे मंत्रालय आप लोगों को याद करवाए हैं, बार 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 रिवाइज करवा के तो बताइए जल्दी से कि जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार कौन संभाल रहा था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे गृह मंत्री और पह, भारत के पहले ठीक है जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आंसर आप लोगों का सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया ही नहीं है तो आंसर इज नन ऑफ दी अबव हो जाएगा ठीक है तो गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी वजह से जो है फ्रेंड्स मैंने चैलेंज दिया था आप लोगों को पता है कि जो जिन बच्चों ने भी टॉप किया है उन लोगों को जो इनाम है ठीक है जो भी एक इनाम है आप लोगों को मिला है जिन लोगों को उनको एक्स्ट्रा क्यों मिला पता है क्योंकि पचास में से पचास लाना एक बहुत बड़ी बात थी एक ही अटेम्प्ट दिया गया था पेट के अंदर में ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए एक ही अटेम्प्ट दिया गया था ताकि सब लोग अपना पहले में करें और फ्रेंड्स इसी वजह से जो बच्चे जिन लोगों ने 50 में से 50 तीन ही बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने 50 में से 50 लाया क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई रखा था गृह मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय का कारोबार किसने संभाला आप देख सकते हो इसमें दिया नहीं था हम लोगों ने आंसर यहाँ पर में उनको पता होता तभी वो जो है सटीक आंसर लगा पाते कि भाई नहीं दिया है ऑप्शन के अंदर में और यही चीज जो है फ्रेंड्स जो बच्चे जो भी सपनों वाली क्लास कर रहे हैं ना उन लोगों को देखना बहुत ज्यादा मदद करने वाली है एग्जाम के अंदर में वो इतना बढ़िया तरीके से जो है क्वेश्चन के आंसर लगा के आने वाले हैं क्योंकि एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर में आधारित आप लोगों को करवाया जा रहा है ठीक है तो ये आप लोग जितने भी बच्चे है, बच्चे हैं हैं जो में है, प्लीज सपनों वाली क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए रात में गृह मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ में था रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री या उद्योग मंत्री जो है आप लोगों के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे खाद्य एवं कृषि विभाग खाद्य खाना ठीक है जो था आप लोगों का फूड फूड जो है वो प्रसाद की तरह होता है तो राजेंद्र प्रसाद अच्छा स्वास्थ्य अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अमृत लेना पड़ेगा आपको तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में भारत की स्वास्थ्य मंत्री कौन थी पहली आजाद भारत की राजकुमारी अमृत कौर ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में ठीक है रक्षा मंत्री वाला क्वेश्चन आगे में बन सकता है सरदार बलदेव सिंह रक्षा करने के लिए बल की जरूरत होती है तो सरदार बलदेव सिंह ठीक है ये भी याद रख सकते हो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई

देखिए अगर मान लो किसी हमारे भारत के अंदर में युद्ध हो जाए कोई युद्ध कर दे तो ऑब्वियस ही बात है उसके आधार पर हम लोग जो है आ, क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके आधार पर हम लोग नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं युद्ध के आधार पर एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कोई बाहर का देश हमारे ऊपर में हमला कर दे युद्ध हो जाए या हमला कर दे एक ही बात है वो तो इसके ऊपर में आधार पर कर सकते हैं आर्म्ड रिबेलियन हो जाए कोई शस्त्र लेकर लोग जो है वो बिल्कुल रास्तों पर निकल जाए हथियार लेकर तो भी वो कर सकते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस के मामलों के ऊपर में ठीक है इंटरनल डिस्टर्बेंस उसके आधार पर नहीं किया जा सकता घोषणा हमारे यहां पर में जब आ, पिछले बार इमरजेंसी लगी थी ठीक है इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी 1975 के अंदर में वो उन्होंने लगाई थी आंतरिक अशांति के आधार पर फिर बाद में जब दूसरी सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द डाल दिया मतलब आंतरिक अशांति की सिर्फ केवल टेंशन है भारत के अंदर में लोगों का गुस्सा है तो इस आधार पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती पहले लगाई जा सकती थी अब उसको हटा दिया गया है तो इंटरनल के आधार पर नहीं लगाई जा सकती इन तीनों के आधार पर जो है इमरजेंसी पूरे देश में लगाई जा सकती है ये एक हाई लेवल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ठीक है इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का मतलब होता है केवल और केवल जो है भारत के अंदर में जो है आप लोगों का जो भारत है हमारा उसके अंदर में सहिष्णुता बढ़ गई है या भारत की सरकार के प्रति हमारा गुस्सा है बस इस आधार पे इमरजेंसी लगा देना ये नहीं होगा हाँ अगर लोगों ने हथियार उठा लिए तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स तो भाग नंबर में भारत के संविधान के भाग नंबर अठारह में आपातकाल से रिलेटेड चीजें जो है आप लोगों की दी गई है आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है आप लोगों का भाग नंबर अठारह ठीक है इसमें जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं तीन प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है आर्टिकल नंबर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर के तहत स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं और यह क्वेश्चन आपातकाल से रिलेटेड तो अगर भारत में जो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाए वित, वित्तीय के सरकार के पास पैसे ना बचे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती अब तक नहीं लगाने की नो बताइए निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले राज्यपाल थे बिहार के पहले राज्यपाल देखो यहां पर मैं बोला गया बिहार के पहले राज्यपाल थे बिहार के तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए यहां पर मैं जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग यहां पर मैं ठीक है तो इस पर्टिकुलर इसको देखिए आप लोग बिहार के पहले राज्यपाल ठीक है डेविड हैिफ्टन ठीक है ठीक है और या फिर वही आप लोगों का मोर तो देन आंसर होगा बिहार, बिहार राज्य बना और उड़ीसा राज्य बना तो बिहार राज्य बना ही 1936 में जो लोग 1912 बोलते हैं एक्चुअली में बिहार एंड उड़ीसा राज्य था वो बार बार बताया आपको उसके ऊपर भी कराया तो उन्नीस के अंदर में पहली बार आपके ठीक है Uh, जो गवर्नर जनरल बने थे आपके गवर्नर बने थे बिहार के वो थे जेम्स डेविड शिफ्टन 1936 में बने थे एक अप्रैल को क्योंकि बिहार ही बना 1936 में एक अप्रैल को तो ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा ये बताया है आप लोगों को क्यों 1936 क्योंकि जो बना था 1912 में वो बिहार एन उड़ीसा प्रांत था आपका किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है ठीक है म्यांमार से नहीं लगती किस राज्य की सीमा तो म्यांमार से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के चार राज्यों की सीमा लगती है ठीक है चार राज्यों की एक तो लगती है आप लोगों की अरुणाचल प्रदेश की फिर लगती है नागालैंड की नागालैंड फिर यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है फ्रेंड्स मणिपुर आ जाता है मणिपुर और फिर लगती है आप लोगों की मिजोरम की मिजोरम ठीक है तो आंध्र अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम सिक्किम की नहीं लगती सिक्किम तो बहुत ऊपर में इधर साइड में और म्यांमार इधर में भारत के मैप के अंदर में भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ देखिए आप लोग ये अरुणाचल प्रदेश है नागालैंड मणिपुर और मिजोरम इनकी सीमाएं जो है म्यांमार के साथ में लगती है सिक्किम की कहाँ से लग रही है आप खुद ही देखो सिक्किम कहा है और म्यांमार कहा है पर में हाँ सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ में लगती है और सिक्किम की सीमा चाइना के साथ में भी लगती है तो सिक्किम की सीमा चाइना के साथ भूटान के साथ नेपाल के साथ लगती है लेकिन म्यांमार के साथ नहीं लगती म्यांमार के साथ में तीन राज चार राज्यों की लगती है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम ये याद रखना है आप सभी लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पॉइंट पूछा जाएगा तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिए अच्छे से भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ठीक है रिवीजन बैच अलग से बिल्कुल रिवीजन बैच जो है आप देखिए अगर रिवीजन बैच जो है आप लोगों की जो आ, स्टार्ट होने वाली है सत्ताईस फरवरी से रिवीजन बैच ठीक है तो आप उसको ले सकते हो और जो बच्चे पेड़ वाले हैं उनको खरीदना नहीं है जो पेड़ वाले बच्चे हैं वो लोग प्लीज रिवीजन बैच को परचेस ना करें वो आप लोगों के लिए फ्री है ठीक है कुछ बच्चों ने उसको परचेस कर लिया खुशी खुशी में बट आप लोगों के लिए वो फ्री है ठीक है जिन लोगों ने ले लिया था उनका वो एडजस्टमेंट हो जाएगी उसका टेंशन नहीं लेकिन प्लीज जो भी पेड़ वाले हैं जो जिन बच्चों ने ले चुका है उन लोगों के लिए फ्री है अवेलेबल वो रिविजन क्लास जो आप लोगों की अट्ठाईस तारीख से होंगी सत्ताईस तारीख से जो होंगी सत्ताईस फेबररी से ठीक है तो जो भी पेड़ वाले बच्चे या फिर जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं अभी भी आप लोगों के पास में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं आप लोग डायरेक्टली कोर्स में जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो रिविजन वाली बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए ठीक है क्योंकि जो बच्चे अभी जुड़ेंगे, उन लोगों को रिविजन बैच तो फ्री में मिलेंगे तो आप लोगों का आंसर भारत के स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, के अध्यक्ष कौन थे उन्नीस के अंदर में तो आचार्य कृपलानी ठीक है कृपलानी तो ये भी याद रखेंगे आप लोग आचार्य कृपलानी जो है फ्रेंड्स भारत की आजादी के समय में 1946 से वो अध्यक्ष बने थे उन्नीस के अंदर में मेरठ सेशन में और उसके बाद में उन्नीस में कोई सेशन हुआ ही नहीं आपका कोई सेशन हुआ ही नहीं तो वही अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी ठीक है आचार्य कृपलानी तो इसको प्लीज थोड़ा सा याद रखना आप सभी लोग आंसर आप लोगों का जो है यहाँ पर मैं जे बी कृपलानी है आचार्य कृपलानी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्नीस में और उन्नीस के अंदर में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये ठीक है कृपलानी के बाद में पत्ताभी सीतारामैया जो है ये उन्नीस में आज़ाद भारत के पहले अध्यक्ष बने ठीक है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस ठीक है पताभी सीता राम ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बन सकता है आप लोगों का उपनिषदों का अनुवाद दाराशिको ने फारसी में किस शीर्षक से किया था उपनिषद जो थे आप लोगों के उनका अनुवाद किया गया फारसी भाषा में ठीक है फारसी भाषा क्यों क्योंकि उस समय में मुगलों के समय में और दिल्ली सल्तनत के समय में प्रशासन की भाषा फारसी थी तो फारसी भाषा का अनुवाद उन्होंने किया था सिर ए अकबर नाम से यह भी आपको बताया उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था यह क्वेश्चन बने तो आंसर आऊंगा यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है और एक नंबर का क्वेश्चन यहां भी बन सकता है सिर सिर ए ए अकबर अकबर नाम से ठीक है तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग सिर सिर ए ए अकबर सीर ए अकबर ठीक है दारा दाराशिखो ने करवाया था दारा दाराशिखो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा बेटा था 1877 में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था ठीक है इसको दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है दिल्ली दरबार के नाम से आप लोग जानते हो उसको तो दिल्ली दरबार जो है वो किसने भराया था दिल्ली दरबार जो है फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन ने भराया था ये याद रखना है लॉर्ड लिटन आपको इसकी भर भर के हमने बुराई की थी याद आ रहा है आप लोगों को मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपने आप को जो है एक सौतेली सासू माँ समझो अपने आप को और लॉर्ड लिटन की जितनी बुराई करोगे उतनी कम है ठीक है इसने क्या किया था सबसे पहले तो दिल्ली दरबार भराया वो भी किस समय में जिस समय में अकाल पड़ा था भारत के अंदर में लोग घर भूख भूखे मर रहे थे और यहाँ पर दिल्ली के अंदर में जो है वो शाही आयोजन कर रहा था ताकि रानी विक्टोरिया को कैसर हिंद या भारत की रानी घोषित किया जा सके उसके बाद में 1878 में आर्म सेक्ट इसने ला दिया भारतीय लोगों पर हथियार रखने पर पाबंदी तीसरा इसने क्या किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर पाबंदी लगा दी कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते ठीक है अपने क्रिटिक्स को चुप कराने के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी उसके बाद में उसने क्या किया जो सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज थी आप लोग आज मैक्सिमम एज बढ़ा दो मैक्सिमम एज बढ़ा दो ठीक थर्टी सेवन ईयर्स के बाद में भी बोलते हो या चालीस साल के बाद में भी बोलते हो वहां पर मैक्सिमम एज थी इक्कीस साल उसको घटाकर उसने उन्नीस साल कर दिया ठीक है लॉर्ड लिटन ने उन्नीस साल तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने परिवर्तित किया था यह भी आपको बताया कि स्टार्टिंग के अंदर में दिल्ली सल्तनत की राजधानी को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्थापित किया था अपना राज्य स्थापित किया था तो उसकी राजधानी थी लाहौर ठीक है लाहौर से उसको दिल्ली शिफ्ट करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है इलतुतमिश को ठीक है शमशुद्दीन इल्तुतमिश प्लीज इसको याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलतुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था पहले गुलाम हुआ करता था फिर बाद में दामाद भी बना ठीक है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था शमशुद्दीन इलतुतमिश इसने दिल्ली से लाहौर से दिल्ली में राजधानी को परिवर्तित कर दिया था एक क्वेश्चन और बताओ उसके बाद में उसके तीन साल बाद ठीक है दिल्ली से राजधानी शिफ्ट हो गई आगरा ठीक है वो किसने शिफ्ट किया था आगरा में आगरा में शिफ्ट किया था सिकंदर लोधी ने ये भी लिखो सभी लोग सिकंदर लोधी ये भी पॉइंट लिखो लाहौर में राजधानी बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने और बाद में दिल्ली से आ, आगरा शिफ्ट कर दी थी सिकंदर लोधी ने तो कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से आगरा राजधानी शिफ्ट कर दी थी दिल्ली सल्तनत का वो राजा था सिकंदर लोधी लोधी वंश का राजा आगरा का संस्थापक भी इसको कहा जाता है ठीक है चलो इलतुतमिश के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था बाद में दामाद भी बना ठीक है इसको रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है मतलब ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक ये था लेकिन अगर रियल फाउंडर के नाम से किसको जाना जाता है ऐसा बोला जाए तो, तो आपको राजधानी मतलब पैसे ना देकर जमीन का टुकड़ा दे देना और बोलना कि भाई इसमें से जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स तुम अपनी सैलरी के रूप में रख लो ठीक है इसने चालीसा नाम से एक सिस्टम बनाया था इस चालीसा नाम के सिस्टम को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है आप लोगों की उन्नीस सौ लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर आप लोगों ने जो है यहाँ पर पच्चीस के पार पहुंचाना है एक साथ सभी लोगों ने मिलकर तब मजा आ जाएंगे कि हाँ यार आप लोगों के लिए जो इतना एफर्ट्स लेकर पूरा का पूरा करा रहे हो वो सार्थक है तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को चालीसा का मतलब मैं बता रहा था यहां पर मैं मान लीजिए ये राजा है ठीक है राजा जो है चालीस अपने जो है खास लोगों से घिरा रहेगा उसके मंत्रिमंडल में जो उसको राजा को सलाह देंगे ठीक है ये चालीस लोग जो थे इनको चालीसा कहा जाता था चालीसा ठीक है चालीसा या इसको जो है फ्रेंड्स तुर्काने चहलगनी भी कहा जाता था तुर्कान ए चहलगनी तुर्काने चहल गनी के नाम से भी इसको जाना जाता था था तुर्काने चहलगनी चहलगनी एक क्वेश्चन आपको बता यूपी पीजीटी में में आया था कि जो थी जिसके अंदर 40 लोग होते थे इलतुत ने जिसको बनाया था उसमें कौन से वंश के लोग होते थे तुर्क वंश के लोग होते थे इसी वजह से इसको तुर्काने चहलगनी कहा जाता था बारहवीं कक्षा की एनसीआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट तो इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग ठीक है इसके अलावा मैं आपको बता दू फ्रेंड्स के चहलगनी और चालीसा नाम का जो सिस्टम है उसको किसने बनाया था यह क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या करोगे अभी, अभी अभी पहले टाइप करो फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन बताता है इसके ऊपर पहले टाइप करो आप लोग इलतुतमिश ने बनाया था लिख दिया आप सभी लोगों ने ठीक है चालीस लोगों का ग्रुप इलतुतमिश ने इसको बंद किसने कर दिया था ठीक है बंद किसने कर दिया था बंद तो आप लोगों का आंसर होगा बलबन ने बलबन ने इसको बंद कर दिया था चालीसा वाला सिस्टम को तो चालीसा या तुर्कान चहलगनी के सिस्टम को बंद कर दिया था बलबन ने Okay, इंट्रोड्यूस किसने किया था भारत के अंदर में इलतुत ने टंका और जीतल नाम के सिक्के ये भी पूछते हैं टंका और जीतल किसने इंट्रोड्यूस किया था इलतुत ने इंट्रोड्यूस किया था जो कि प्योर अरेबिक भाषा में अरबी भाषा में लिखे हुए होते थे इन सिक्कों के ऊपर में ठीक है चलिए तो मिनाहाज सिराज तबाकत नासिरी जो थी बुक जिन्होंने लिखी है वो इन्हीं के समय काल के थे इल्तुतमिश के समय काल के लिस्बन किस देश की राजधानी है अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि हमारे भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने वाला जो वास्कोडी गामा था वो इसी देश का था और इस देश की राजधानी से ही वो चला था चलते समय जल्दी बताइए उसका आंसर क्या होगा आपका तो इस देश से चला था वो आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट में आंसर कर देंगे एकदम चैट रेट आप लोगों का जो है फ्रेंड्स स्पीड में चलना चाहिए आप का। जी उमा मंडल जी बिल्कुल आप जो है क्लासेस से पढ़ लीजिए आपको कोई और पढ़ने की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी ठीक है तो लिस्बन कौन से देश की राजधानी थी ये पुर्तगाल की राजधानी है फ्रेंड्स पुर्तगाल की ठीक है से क्या हुआ था था आपका वास्को डी गामा चला था भी, वो मैप के अगर हम लोगों ने यहाँ पर पे मैप होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है ये आप लोगों का यूरोप का मैप है आप देखिए यहाँ पर मैं ये है पुर्तगाल ये है स्पेन तो ये पुर्तगाल से वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से निकला था वास्को डी गामा तो यह है आप लोगों का लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी ठीक है तो पुर्तगाल की राजधानी है स्पेन की राजधानी है कोपेनहेगन ठीक है, है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था यह आप लोगों को मैंने अभी दो तीन दिन पहले जो है यहां पर मैं ओके आप लोगों को बताया था कि एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है छठवीं क्लास की एन सी आर टी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का वर्ल्ड पीआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएंगी लेकिन छठवीं आठवीं छठवीं से आठवीं के अंदर में आएंगी तो छठवीं से आठवीं के अंदर में मैं आ, करवाने वाला हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री इस बार निशि कुमार जी ऑलरेडी हो चुकी है ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था ये याद रखना है आप सभी लोगों ने आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है मगध के नाम से जानते थे आप देख सकते हो यहां पर मैं ये गंगा का है इलाका और गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जानते थे मगध का पहला शासक था बिंबिसार ठीक है बिंबिसार पहला राजा था और बिंबिसार के बाद में उसका बेटा अजा शत्रु शासक बनता है ठीक है तो बिंबिसार मगध महाजनपद का पहला राजा था ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है साथ ही साथ आप लोगों का एफ कैट के अंदर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन एफ कैट एयरफोर्स की एग्जाम में बिम्बी वाला ठीक है तो मगध के नाम से जाना जाता था एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है इसको याद रखेंगे सभी लोग 26 नवंबर उन्नीस को भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हो गए थे आपको पता है हमारे भारत की प्रस्तावना में एक शब्द आता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी के बाद में लास्ट में आता है कि आज तारीख 26 नवंबर उन्नीस सौ को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं हमने 26 नवंबर ठीक है ट्वेंटी नवंबर को अपना लिया था 1949 के अंदर में अपनाया था और लागू कब किया था संविधान को हमने लागू किया था छब्बीस जनवरी को ट्वेंटी जनवरी उन्नीस को बट ये हमने 95 लागू किया था 26 जनवरी को कुछ हिस्सा था ऐसा जो हमने इसी दिन लागू कर दिया था 26 नवंबर को क्योंकि वो जरूरी था जब भारत भारत रिपब्लिक बनेगा तो उससे पहले भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए रिपब्लिक बनेगा तो नागरिक होने चाहिए तो नागरिकों के लिए पहले नागरिकता का प्रावधान लागू करना पड़ेगा इलेक्शंस करवाने हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमीशन का गठन करना है तो इलेक्शन का प्रावधान लागू करना पड़ेगा प्रोविजनल पार्लियामेंट क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो पार्लियामेंट करेंगे ना प्रोविजनल पार्लियामेंट जब चुनाव तो हुए नहीं थे तो जो संविधान सभा थी उसी को पार्लियामेंट मान लिया गया अस्थायी संसद हमारे संसद हमारी जो चुनाव के बाद संसद बैठी वो बैठी पहली बार नाइनटीन में तब तक जो है फ्रेंड्स ये अस्थायी संसद जो संविधान सभा थी वही अस्थायी संसद बन गई थी पहली बार के लिए बस पहली बार के लिए एक टाइम के लिए अस्थायी संसद बनाई गई थी ताकि राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सके और थोड़े समय के लिए भारत के लिए कानून बनाए जा सके तो संविधान सभा को ही अस्थायी संसद में कन्वर्ट कर दिया था जब तक कि चुनाव नहीं हुए फिर तो चुनाव होने के बाद में यह अस्थायी संसद भंग हो गई और हमारी चुनी हुई संसद बैठी 1952 में तो नागरिकता निर्वाचन और अस्थायी संसद ये तीन ऐसे मेन कंसेप्ट है जिनको हमने उसी दिन लागू कर दिया था छब्बीस नवंबर उन्नीस को प्लीज इन इस पॉइंट को बस ये तीन याद रख लो आप लोग मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स एम लक्ष्मीकांत के अंदर में भी यही वाले तीन पॉइंट दिए है एनसीआरटी के अंदर में भी ये तीन पॉइंट दिए है और यही से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का ठीक है मार्क माय वर्ड ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है पूछेगा यहाँ से ठीक है ठीक है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी को लागू हुआ था 26 जनवरी को इसी वजह से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी दांडी मार्च के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो ये भी बता देंगे सभी लोग दांडी मार्च देखिए अगर हम लोग दांडी मार्च के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स तो दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था आपका बारह मार्च 1930 को ठीक है ये आंदोलन में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा की पाँच अप्रैल को गांधी जी जो है पहुंचते हैं दांडी नाम की जगह पर उन्नीस में ठीक है और अप्रैल को उन्होंने जो है नमक कानून को तोड़ा छ्रैल उन्नीस सौ को और यही से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है इसको भी हमने देखा हुआ है प्लीज जितने भी लेक्चर्स है उसको बार बार रिवाइज कीजिए जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के ऊपर में जो वीडियो है उसको अच्छे से देखिए अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो क्लासेस से जुड़कर जो नंबर चल रहा है सेवन सिक्स वन 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 जीरो वन वन जीरो वन नाइन सिक्स नाइन सेवन ट्रिपल एट ट्रिपल फोर इससे जुड़कर आप सपन वाली क्लासेस और जो बाकी क्लासेस है उनको आप अच्छे से देख सकते हो ताकि आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए तो आपके सेलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए ठीक है रिविजन क्लासेस आपको जी हाँ बिल्कुल जो पूछे रिवीजन क्लास वो आपका पेड कोर्स जितने भी बच्चे हैं चाहे आपने जी वाला भी कोर्स लिया हो उसके अंदर में भी फ्री है आप लोगों के लिए जो बच्चों ने कोई भी

ओके okay, और आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि अभी आप लोगों के लिए जो ऑफर चल रहे हैं वो आप लोगों को ऐप के ऊपर में दिख जाएंगे जब आप लोग पेमेंट पेज पर जाओगे तो वहां पर मैं आप लोग जाकर अभी से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो और जो टीआर थ्री पॉइंट जीरो के लिए करना चाहते हैं बच्चे वो लोग भी टीआर थ्री वाली बैच ले सकते हो वो अभी आप लोगों को लाइव मिल जाएंगी वहां पर में पनामा नहर किन दो महान महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर जल्दी बताइए पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक तूफान जो है वो आया हुआ है हो सकता है कि अगर मान लो क्लास बीच में रुकती है ठीक है तो समझ जाना कि इंटरनेट वगैरह चला गया है या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हुई है ठीक है बट अभी तक नहीं हुआ है अगर होता है बीच में तो समझ जाना कि ऐसा कुछ हुआ है करके ठीक है तो पनामा नहर किन दो महान सागरों को जोड़ती है दुआ कीजिए कि ना हो ना टूटे कुछ क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इनको इंडियन ओशियन अटलांटिक अटलांटिक और पैसिफिक तो आंसर को जोड़ता है दक्षिणी अमेरिका एरिया से ये जो पनामा कैनल है ना आप लोगों की पनामा नाम की जगह है। वहां से क्या किया गया एक नहर काटी गई थी नहीं पहले हमने काटी हम इंसानों ने पनामा पना नाम, पनामा नाम की जगह पे पनामा कैनल बनाई इससे क्या हुआ यहाँ का जो अटलांटिक महासागर था और यहाँ पर में जो प्रशांत महासागर था वो आपस में जुड़ गए तो अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ा गया है मैंने आप लोगों को याद करो सपनों वाली क्लास के क्लास नंबर तीन के अंदर में स्वेस कैनल के बारे में भी बताया हुआ है जो भी बच्चे क्लास में थे वो स्वेस कैनल के बारे में भी बता दीजिए कि स्वेस कैनल किसको जोड़ती है ठीक है और कौन से देश से होकर जाती है स्वेस कैनल चलो ये बता दो कम से कम साढ़े बाईस सो लाइक्स हो चुके हैं हमारा टारगेट है पच्चीस सो लाइस का जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स ठीक है ताकि मेरी एनर्जी कम ना हो संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग करता है डीपीएसपी में आपको बताया था फिफ्टी फिफ्टी ठीक है काम को बांट देना फिफ्टी फिफ्टी कर दो ठीक है इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स कराया आप लोगों को मैंने डीपीएसपी के फिफ्टी फिफ्टी कर दो तो पचास जो है आपका क्या करता है काम का बंटवारा करता है काम का बंटवारा फिफ्टी फिफ्टी काम को बांट दो ठीक है ओके फिफ्टी फिफ्टी तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर चौवालीस आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है यूसीसी समान नागरिक संहिता के बारे में आर्टिकल नंबर कहता है कि कृषि और पशुपालन का विकास होना चाहिए आपको एग्जांपल दिया था याद करो आर्टिकल फोर्टी एट कैसे याद कराया मैंने आपको कि चार बीज डालोगे तो आठ बीज हो जाएंगे कृषि का विकास हुआ चार बकरी या मतलब चार बकरे बकरिया पालोगे तो आठ बकरे बकरिया हो जाएंगी आपके पास में पशुपालन पशु का भी विकास होगा ठीक है तो चार का आठ हो जाएंगे विकास होगा ठीक है तो ये ऐसे हमने किया था इक्यावन साल की उम्र के अंदर में हमने कहा था कि भाई अब हो गया भाई अब तो जिंदगी जी ली अब शांति के साथ रहना है तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल पीस ठीक है अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेगा हमारा भारत वो आर्टिकल नंबर 51 में दिया है कि अब भाई शांति के साथ रहेंगे हम ठीक है इक्यावन की उम्र हो गई है वैसा वाला तो और इसके बाद में फोर्टी तो पंचायती राज वाला है पंचायती राज नेशन तो सारे सारे हाँ जो जो में भी आपको चलिए तो डीपीएसपी के पार्ट है ये, चार में आर्टिकल नंबर छत्तीस से इक्कावन तक के आर्टिकल्स है ठीक है और डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया कोई लिख के बता सकता है क्या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से देश से उधार लिया गया है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है फ्रेंड्स आयरलैंड से उधार कितने लोगों ने लिख दिया था मेरे आ, बताने के पहले मैं यहाँ पर मैं कमेंट में भी देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे रेगुलरली यहाँ पर मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता को किस लिए जाना जाता है श्रीमती उषा मेहता को किस लिए जाना जाता है ये बता देंगे सभी लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आ, संदर्भ में

Uh, जवान लोग थे जिनको ज्यादा लोग जानते नहीं थे या कांग्रेस उनको कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट नहीं कर पाई थी जिनको ब्रिटिश uh, गवर्नमेंट उन लोगों ने कुछ ना कुछ किया ठीक है छुपके छुपाते वैसे ही एक सीक्रेट रेडियो चलाया गया ताकि भारतीय लोगों के बीच में अपनी आवाज़ पहुंचाई जा सके सीक्रेट रेडियो उषा मेहता जी ने चलाया था ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इसको याद रखना आप लोग गुप्त रेडियो चलाया था इन्होंने उषा मेहता और रिविजन इज द की टू सक्सेस याद रखना है फ्रेंड्स इसी वजह से रिविजन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आप लोग आंसर कर पाऊंगे श्रीमती उषा मेहता नेक्स्ट क्वेश्चन

ताकि आप लोग इसका आंसर कर पाए देखते हैं इसका आंसर क्या करते हो आप लोग मैं यहाँ पर मैं कमेंट में देख रहा हूँ आप लोगों का कि कितने लोग करते हैं ठीक है ठीके? आगा खान पैलेस कहा है सर आगा खान पैलेस जो है ये पुना में मिलेगा आप लोगों को ठीक है पुणे के अंदर में ठीक है जेल में इसलिए नहीं रखा था उनको गांधी जी को कि सब लोगों के मन में ये ना जाए कि भाई देखो हमारे गांधी जी को जेल में डाल दिया तो ये दिखा रहे थे कि पैलेस में रखा है करके आगा खान पैलेस में बहुत ही सुंदर सा है आप कभी जाओ पुणे तो आप देखना ठीक है राम मनोहर लोहिया ठीक है Uh, उन्होंने असिस्ट किया था बिल्कुल <coughs> मानव कान का श्रव्य आवृत्ति क्या है बी दो सौ हर्ट नहीं बीस हर्ट से, दो हर्ट, नहीं, हर्ट, से दो हजार हर्ट नहीं आंसर नन ऑफ दी होगा कितने लोगों ने ई आंसर लगाया है कितने लोगों ने आंसर लगाया हाथ ऊपर करके बता दीजिए मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने आंसर लगाया यहां पर बीस हर्ट से लेकर ठीक है आप लोगों का बीस हजार होना चाहिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बीस हर्ट से लेकर ठीक है इसको ट्वेंटी के हर्ड्स भी बोल सकते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने ट्वेंटी के हर्ड्स बोल सकते बीस हजार हर्ट्स को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है ठीक है कौन सा करता है एक ट्रिक हमने सीखी थी इसकी कि कौन सा राज्य <laughs> कौन सा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सीमा साझा करता है मधुबनी किशनगंज सीतामढ़ी मोर देन वन ऑफ नन ऑफ द अबो एक घंटा हो गया क्लास को पता ही नहीं चला मुझे कि आज एक घंटा कैसे हो गया इतना स्पीड में ठीक है बढ़िया मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में अगर आप लोग आप लोगों का सही तरीके से रिस्पॉन्स रहता है फ्रेंड्स आप लोग सही तरीके से पढ़ोगे ना ठीक है और आ, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे जो लिटरली एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल यहां पर मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ अच्छे से भी ठीक है तो जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स उतना ज्यादा हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक ट्रिक है वो देख लेते पहले देखिए चंपा जो थी ठीक है दोनों चंपा चाहे पश्चिम चंपा हो चाहे पूर्वी चंपा हो तो चंपा जो थी वो सीता के साथ में बैठी हुई थी मधु बनाते हुए चलो बहन शहद निकालेंगे तो चंपा और सीता शहद निकाल रही थी तभी वहां पर मैं आ गया सांप और उन्होंने जोर से चिल्लाया अरे रे रे किशन भगवान बचा लो हमको अब ये सांप आ गया अब हम इससे कैसे निपटेंगे ठीक है तो चंपा और जो चंपा थी और सीता थी वो मधु बना रही थी शहद निकाल रही थी सांप आ गया उन्होंने अरे रे रे चिल्लाया और किशन भगवान को याद किया तो यहां पर मैं आप देखिए मधु बनी तो है मधु बना रही थी वो लोग ठीक है सीता भी है यहाँ पर में किशनगंज भी किशन भगवान का नाम दिया कौन सा वाला साझा करता है तो मोर देन वन ऑफ दी अबो ठीक है मोर देन वन ऑफ दी अबो डी इज द करेक्ट आंसर आंसर सत्तावन प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया है यहाँ पर में ब्रजेंद्र मिश्र जी पेट क्लास लेनी है सर देखिए आप जो है ब्रजेंद्र जी आप नीचे जो नंबर चल रहा है सेवन सिक्स सेवन सिक्स वन 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 जीरो वन वन जीरो वन या नाइन सिक्स नाइन सेवन ट्रिपल एट ट्रिपल फोर उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप सकते हो या फिर टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो आप सिंपल सी बात है ऐप डाउनलोड कर लो वहां से भी आप कर सकते हो ठीक है एप्लीकेशन के ऊपर में भी ठीक है सात डिस्ट्रिक्ट करते हैं ये भी याद रखना आप लोगों ने सेवन डिस्ट्रिक्ट साझा करते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल तेईस दिसंबर को मनाया जाता है लीजिए आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि किसके सम्मान में मनाया जाता है उनको भारत रत्न मिल गया मतलब मोदी जी हमारा मोदी जी तक भी हमारी आवाज़ देखिए यहाँ पर मैं इतने सारे लोग एक साथ कमेंट करते ना कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी हवा में फैल ही जाती है तो मोदी जी ने ठीक है चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स ठीक है अब तक पहली बार हुआ इतिहास में कि एक साल में पाँच लोगों को भारत रत्न दिया गया है इससे पहले किसी भी साल के अंदर में जो है फ्रेंड्स चार से ज्यादा नहीं गया था 1999 एकमात्र साल था जिसमें चार लोगों को दिया गया था भारत रत्न अदरवाइज नॉर्मली मैक्सिमम तीन ही लोगों को दिया जाता है भारत रत्न का सम्मान ठीक है आपका 1999 में चार बार चार लोगों को दिया गया था दो हजार में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पॉलिटिकल माइलेज ऑब्वियसली बात है है आपको पता है, अलग अलग लोगों को दे रहे कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है लाल कृष्ण अडवाणी जी को दिया गया है यहाँ पर ठीक है चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है ठीक है पी नरसिम्हा राव को दिया गया है दक्षिण भारत की राजनीति को सा, साधने के लिए पी नरसिम्हा राव ठीक है और इसके अलावा हमारे हरित क्रांति के जनक ठीक है जल्दी बताइए हमारे हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जल्दी आप लोगों का आंसर आना चाहिए उनको भी भारत रत्न दिया गया एक क्वेश्चन आप लोगों से कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता किसको जानते मानते हो आप लोग उनको भी भारत रत्न तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया गया है किसान नेता थे हमारे भारत के जो है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये बहुत कम समय के लिए थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री पांचवे नंबर के ठीक है केवल एक दिन तक इनका कार्यकाल था लेकिन थे और एक सौ दिन के अंदर में किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की ठीक है तो राष्ट्रीय किसान दिवस उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के बर्थडे के अवसर पर मंगल पांडे किस पैदल सेना में सिपाही थे मंगल पांडे तो यह भी बता दीजिए लाइक्स लाइक्स हो चुके हैं दूर है हमारे टारगेट से एस स्वामीनाथन वेरी गुड बहुत बढ़िया फ्रेंड्स ठीक है एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का जो है ऐलान किया गया है तो भारत के हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है ओके एम तो एस स्वामीनाथन जो है उनको दिया गया मंगल पांडे किस पैदल सेना में एक सिपाही थे की तो दिया ही नहीं है चौतीसवेंगे ऐसे क्वेश्चन घुमाने वाले क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको कान पकड़ के ऐसे घुमा के आप लोगों से जो है आपकी प्रैक्टिस कराए ठीक है ठीके? तो ई इज द करेक्ट आंसर ई इज द करेक्ट आंसर ये याद रखेंगे आप सभी लोग ठीक है ऑफ दी अबो कौन से नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी चौतीसवें नंबर की ओके इन्होंने अठारह में जो बैरकपुर है ठीक है कहाँ पर में बैरकपुर वो आपको मिलेंगे बंगाल में तो बंगाल में बैरकपुर में अपने अधिकारियों के ऊपर में गोली चला दी थी जिसके कारण इनको फांसी पर लटका दिया गया अठारह में ठीक है तो 29 मार्च अठारह को इन्होंने गोली चला दी थी ठीक है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सभी ने आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा जो है आप लोग प्रकाश यहाँ पर कीजिए जल्दी से डालिए तो देखिए फ्रेंड्स सिविल मूवमेंट गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी उसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ बिल्कुल सही बात है गांधी जी ने अपने साठ अनुयायियों के साथ मार्च आरंभ किया था साठ क्या साठ लोग थे या फिर अठहत्तर थे अठहत्तर थे 78 थे फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने सेवेंटी एट फॉलोवर्स थे उनके साथ में ठीक है तो सेकंड वाला गलत है पहला वाला सही है आपसे सही वाला पूछा है ना यहाँ पर मैं करेक्ट वाला नहीं पूछा है आपसे नॉट नॉट करेक्ट करेक्ट पूछा पूछा है not correct पूछा है है ठीक तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर टू नॉट करेक्ट पूछा है आप लोगों से कितने लोग हैं जिन्होंने जो है नॉट करेक्ट बी आंसर लगाया है ओनली वन गलत है आंसर क्या होना चाहिए नॉट करेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट तो आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है नॉट करेक्ट बोला है ठीक है नॉट करेक्ट तो पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है तो दूसरा गलत है ना तो ओनली टू क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है आप लोगों से कितने लोगों के साथ खेला हुआ जल्दी बताइए अगले बार ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे 2500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जितने भी लोगों ने यहाँ पर मैं अपना अपना योगदान दिया उन सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि दांडी मार्च के बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था अपने अठहत्तर साथियों के साथ में रिवीजन बैच जो है फ्रेंड्स लॉन्च हो चुकी है आप लोगों की जो भी बच्चे रिवीजन बैच में जुड़ना चाहते हैं ठीक है ठीके? वैसे इसका प्राइस जो है वो फोर नाइन्टी नाइन रुपीज है इसको जो है आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में इनिशियल में थ्री हंड्रेड रुपीज का मिल रहा है जो बच्चे पेड क्लास में हैं उन लोगों को ये नहीं खरीदना है क्योंकि ऑलरेडी उनको फ्री में दिया जा रहा है जो पेड बच्चे चाहे कोई भी बैच लिया हो उसने ठीक है बिहार का उसको वो रिविजन बैच फ्री में मिल रहा है ठीक है तो उन लोगों ने नहीं करना है जो बाकी बच्चे हैं रिवीजन बैच आप लोगों की रिवीजन बैच ट्वेंटी फेबर से स्टार्ट होंगी जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करेंगे MCQs के साथ में थ्रू ये याद रखना आप लोगों ने क्यूज की मदद से रिविजन किया जाएगा पूरी की पूरी सिलेबस को ठीक है निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है जो बच्चे पेड़ में हैं वो प्लीज ना ले उनको ऑलरेडी मिलेगा आपके इसके अंदर में ऐड हो जाएगा वो सत्ताईस तारीख को तो जो बच्चे रिविजन बैच लेना चाहते हैं अगर वो चाहते हैं कि उनको कोर्स भी मिल जाए तो वो कोर्स ले सकते हैं रिविजन बैच उसके अंदर में आ जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है तो सबसे दक्षिणी भाग के अंदर में स्थित है फ्रेंड्स आप लोगों की ठीक है पलामी हिल्स नीलगिरी हिल्स, हिल्स पलानी हिल्स पलानी हिल्स पलानी हिल्स दो बार आ गया आप लोगों का तो वो थोड़ा सा देख लेना है या नहीं वो आंसर में आपका अन्ना मलाई हिल्स आप लोगों की ठीक है मोर देन वन ऑफ दी अबो नन ऑफ दी अबो तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाता हूँ सबसे दक्षिण के अंदर में जो पहाड़िया है आप लोगों की वो है इलायची की पहाड़िया जाता है केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है कार्डमम हिल्स सबसे दक्षिण में दक्षिणतम पहाड़ी आप लोगों की तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ई होने वाला है आप लोगों का ठीक है सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है इलायची की पहाड़िया इलायची हिल्स इसको बोलते हैं आप लोग पहाड़ों की एक श्रृंखला है पूरी की पूरी है यहाँ पर में श्रृंखला है पूरी पहाड़ों की श्रृंखला ठीक है इलायची की पहाड़िया केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है ये भी याद रख सकते हो आप आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स लोगों के ठीक है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी आरक्षित है अनुसूचित जाति एससी कैंडिडेट्स के लिए ठीक है तो एससी कैंडिडेट्स के लिए बिहार विधानसभा के अंदर में फ्रेंड्स थर्टी सेवन थर्टी नाइन फोर्टी मोर देन वन ऑफ ऑफ तो आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अगर आ, जो है देखोगे ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए बिहार में टू फोर्टी थ्री है ठीक है टू फोर्टी थ्री टू फोर्टी थ्री है जिसमें से एस सी और एस टी के लिए कितनी है एस सी के लिए है आपकी थर्टी एट आरक्षित है एस सी के लिए है दो ठीक है ये आपको बार बार बताया है अनुसूचित जाति के लिए अड़तीस और अनुसूचित जनजाति के लिए दो सीट तो थर्टी एट दिया नहीं है तो आंसर ई हो जाएगा फिर से आप लोगों के साथ में खेला हुआ है यहां पर मैं आपको जान जो है फ्रेंड टफ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि एग्जाम के लायक आप बन सके एग्जाम के क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे तो जो भी बच्चा है सपने वाली क्लास ध्यान से देखेगा जो रात में होती है और उसकी मैं फिर से लूंगा आपकी चार क्लास लूंगा जब सपने वाली क्लास की फिर से पांचवी वाली टेस्ट लूंगा जैसे ली है और फिर से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है वो इनाम मिलेंगे जितने बच्चे थे सिर्फ एक बच्चा जिसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है उसको छोड़ोगा बाकी सब लोगों को अमाउंट भी ट्रांसफर हो गया है ठीक है जो टॉपर था उसको दो हजार का इनाम मिला क्योंकि उसने मेहनत उसने, उसने था उसको, बार 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 उसको लेकर आओ तीन बच्चे आ उसमें से, जिसने अच्छे से किया होगा ठीक है तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आप लोगों का नौ विधानसभा में टू फोर्टी थ्री सीट है ठीक है जिसमें से आप लोगों की अनुसूचित जनजाति के लिए दो और अनुसूचित जाति के लिए अड़तीस है किस विधेयक का मसौदा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था भारत के पहले कानून मंत्री थे तो भारत के कानून मंत्री जो है डॉक्टर आम्बेडकर साहब थे उन्होंने जो है निम्नलिखित में से कौन सा बिल था जिसको कन, संसद में प्रस्तुत किया था तो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर कानून मंत्री हिंदू कोड बिल जो है फ्रेंड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यह याद रखना है जब यह कानून पास नहीं हो पाया संसद से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस विरोध में कि भाई हिंदू अपने अंदर में बदलाव नहीं लाना चाहते बाद में जाकर फिर आ, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों के जरिए 1955 के अंदर में वो कानून पास हो पाया जब पहली बार प्रस्तुत किया था तो पेश, आ, पास नहीं हो पाया था तो डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था ठीक है विरोध में तो हिंदू कोड बिल को इन्होंने प्रस्तुत किया था ये याद रखना बहुत ही फेमस था उस समय काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इसको लेकर तो सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नाउ फ्रेंड डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के बारे में पूरा उनका जीवन आपको पढ़ाया है सपनों वाली क्लास में टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने चलाया था ठीक है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया इन्होंने 1936 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ठीक है स्वतंत्र लेबर पार्टी की शुरुआत की बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी उन्होंने भारतीय संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे ये और भारत के पहले कानून मंत्री थे और हिंदू कोड बिल को उन्नीस में प्रस्तुत किया था इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर ये देखिए फ्रेंड्स भारत स्वतंत्रता और उसके बाद ये इसके लेखक कौन है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बुक है आपको इनके बुक्स के बारे में पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी या एक से अधिक एक से अधिक तो नहीं होगा यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने ठीक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस पुस्तक है वो लिखी है ठीक है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब इतिहासकार भी थे हमारे चचा ठीक है इतिहासकार थे ग्लीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री द यूनिटी ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी है इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर भारत की आजादी और उसके बाद क्या क्या हुआ पढ़ने लायक बुक है जो लोग जो है जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं या उनको बांधते हैं ना क्यों क्या हुआ भाई उस समय में जिस समय में देश ने देश आजाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से छूट कर मिला जिस समय में हम लोग जो है बंटवारे का दंश झेल रहे थे जिस समय में भारत में भाषा ही राज्यों के लिए मांग हो रही थी जो है पोटी श्री राम लुलू ने जो है भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उस समय में देश को आगे लेकर चलना और आज हमारा देश जो है मजबूती के साथ खड़ा है यहाँ तक पहुँचने की नींव रखना रिजल्ट उस समय में नहीं मिलेगा ना वो तो आज मिल रहा है हम लोगों को ठीक है तो वो सारी चीजें जो है फ्रेंड्स आप लोगों इंडि, को इंडिपेंडेंस एंड नाम की जो पुस्तक है उनकी उसमें देखने के लिए मिलेंगी कि क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे ठीक है है इंडिया एंड वर्ल्ड नाम की पुस्तक लिखी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स उन्होंने लिखा है कि कैसे वो पत्राचार करते थे इससे पता चलता है कि वो चाहते थे कि देश जो है वो समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़े दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच में हुआ था लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है इसको 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इस पार्टी ने जो है क्या किया फ्रेंड्स आप लोगों का आ, जो है आ, मिल गया था अच्छा गोपाल कृष्णा जी जो कि आठवें विनर थे मुझे यहाँ पर मैं बताया जा रहा है कि जो बच्चे का स्विच ऑफ आ रहा था गोपाल कृष्णा जी ठीक है उनसे कांटेक्ट हो गया है और उनका हमने ट्रांसफर भी कर दिया है ठीक है गोपाल कृष्ण जी का ट्रांसफर हो चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल कृष्णा जी तो टीम जो है प्रोएक्टिवली वर्क कर रही है आपको मोटिवेट करने के लिए ये अमाउंट को मत देखिए आप लोग ठीक है मेन है मोटिवेशन कि उनको जो है एक बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन लेकर आना है ताकि पढ़े सारे लोग आगे बढ़े हेल्दी कंपटीशन में इतना पढ़ ले इतना पढ़ ले आगे बढ़ जाए कि एग्जाम कब क्लियर हो गई पता ही ना चले कि यार एग्जाम क्लियर हो गई खेल खेल में ठीक है तो मुस्लिम लीग और लखनऊ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में यह समझौता हुआ था और ये एक ये आज ये पहली टेस्ट थी इसके बाद में और टेस्ट होने वाली है तो जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से करेंगे आप सभी लोग आगे में जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है ठीक है कौन सा सही है जोग जलधारा जो है जोग जोग जलप्रपात या जोग वाटरफॉल शरावती नदी पर है जी हाँ बिल्कुल है कर्नाटक के अंदर में है ये आप लोगों का कर्नाटका में ठीक है कपिल धारा कावेरी नदी पर है बोल रहा है नहीं कापेरी कावेरी पर नहीं है कपिल धारा नर्मदा नदी के ऊपर में है नर्मदा नर्मदा पर है ठीक है धुआंधार गोदावरी पर बोल रहा है नहीं गोदावरी नहीं ये भी नर्मदा पर है नर्मदा नदी पर है ये कपिल धारा और धुआंधार दोनों जो है क्या है आप लोगों का फ्रेंड्स ठीक है नर्मदा नदी के ऊपर में है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है बोला है आपसे तो ए आंसर हो जाएगा आप लोगों का ठीक है कौन सा सही है तो कपिल धारा जो कपिल धारा धुआधार ये सब नर्मदा नदी के ऊपर में बने हुए जलप्रपात है आप लोगों के ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया आप लोग याद करो हमने सपनों वाली क्लास में बिहार प्रांतीय किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा दोनों के बारे में पढ़ा हमने हमने देखा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना उन्नीस के अंदर में हुई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है मुख्य व्यक्ति थे इसके ठीक है स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले अध्यक्ष भी थे और मुख्य व्यक्ति थे जिसने इसका गठन किया बाद में 1936 के अंदर में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई और उसके संस्थापक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे तो दोनों के ही थे यहाँ पर में आ, जो है यहाँ पर में ऑल uh, विनर्स को हो चुका है जैसे मेरे पास में वापस से जो है फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरे पास फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन आई है कि सारे लोगों को हो चुका है ठीक है जो गोपाल कृष्णा जी से उनका जो स्विच ऑफ आ रहा था फोन उनको भी अब ट्रांसफर हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन सारे के सारे विनर्स को और अगले बार के लिए भी तैयार रहिए सभी लोग सी इज द करेक्ट आंसर बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि दर का सही क्रम चुनिए मैंने आपसे कहा था कि एक टफ क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बीपीएससी में आ चुका है ठीक है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है क्योंकि आगे में जाकर कभी भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी तो ऐसे क्वेश्चन जो कि टफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आप लोग पहले से करके जाइए अच्छे से ठीक है तो बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि जो है आप लोगों का अनुसार सही क्रम क्या है तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर मैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर में हुई मधेपुरा के अंदर में आप लोगों से बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर में लगाना है आप लोगों ने ठीक है कम से ज़्यादा में लगाना है कम से ज़्यादा में तो सबसे ज़्यादा कहां पर में इन तीन जिलों में देखो तीन ही जिले दिए यहां पर में किशनगंज मधेपुर मधेपुरा और सिवान सारे ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग तीन ही दिए मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाया कि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा दश की वृद्धि दर थी 2001 से 2011 के बीच में मधेपुरा में तीस दशमलव छः पाँच प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई मधेपुरा वाले लोगों क्या कर रहे हो मतलब जॉब उब नहीं आ रही या ठंडी ठंड क्या मतलब क्या रीज़न क्या है तुम्हारा ठीक है तीस दशमलव छः पाँच प्रतिशत ठीक है यहाँ देखो गोपालगंज वाले से अठारह दशमलव आठ तीन अठारह दशमलव आठ तीन प्रतिशत भी ज़्यादा है लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर ठीक है तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं ये आंसर तो हो ही नहीं सकता कि सिवान में सबसे ज़्यादा है मधेपुरा में से से भी ज़्यादा ठीक है यहाँ पर मैं देखिए मधेपुरा से भी ज़्यादा सिवान को दिखाया तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का ठीक है सिवान को ज़्यादा दिखाया पॉसिबल है कि बी आंसर हो जाए आपका ठीक है पॉसिबल है और मोर देन वन ऑफ दन ऑफ भी आंसर नहीं हो सकता तो ए आंसर नहीं हो सकता सी नहीं हो सकता बी या फिर ई e में से कोई होगा अब देखो मधेपुरा से कम जो है क्या किशनगंज के अंदर में ध्यान से देखिए आप सभी लोग किशनगंज को ढूंढिए आप लोग ठीक है तो किशनगंज को अगर आप देखोगे तो तीस दशमलव चार चार प्रतिशत है ना सेकेंड लास्ट है कहीं पे भी दिख रहा है कि आपको तीस की रेंज में और कहीं पे भी तीस की रेंज में पूरा का पूरा आप देख लीजिए तीस की रेंज में कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको केवल ये दो है यहां पर मैं अररिया को छोड़ दिया जाए तो अररिया तीस पे अटका हुआ है एग्जैक्ट तीस पे बाकी तीस से ज्यादा वालों में ये दो ही है ठीक है तो मधेपुरा से कम जो है किशनगंज है तो मधेपुरा से कम किशनगंज ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है सिवान कितना भी हो उनसे कमी होगा कितना भी हो अब देखो यहाँ सिवान की अगर मैं बात करू आप लोगों से ठीक है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर मैं आप देख लीजिए सिवान आपको कहा पर मैं दिख रहा है सिवान देखिए यहां पर बाईस है दो है तो इन दोनों से कमी ही ना ठीक है तो वही तो बात थी कि इन दोनों से कम है सबसे ज्यादा दश की वृद्धि दर मधेपुरा में थी फिर किशनगंज में ठीक है और उसके बाद में और भी थे बट सिवान इन दोनों से कम था ऐसा जो है टफ क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था तो प्लीज इसको याद रख लेना सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट होकर पूछे जाने की संभावना है मैं आपसे कह रहा हूं सबसे ज्यादा दश की वृद्धि दर मधेपुरा में थी सबसे कम गोपालगंज में थी याद रखना मधेपुरा के लिए कोई ऑफेंस नहीं है जस्ट आपको याद रहे ठीक है Uh, जो है कॉमेडी में याद रहे आप लोगों को चीजों को आप आसानी से लंबे समय तक याद रख सके इसी वजह से बता रहा हूँ बाकी मधेपुरा वाले लोग खाली पीली बैठे हैं वहां ठंड ज्यादा है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है भाई अपना हो सकता है कोई और भी रीजन हो वहाँ पर ठीक है चलिए तो इसको याद रखना आप सभी लोगों ने तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अली जी हाँ वन टू फाइव के लिए भी है ये सारे ही एग्जाम जितने भी है ना आप लोगों के किसी में भी पूछा जा सकता है इंटरचेंजियबली क्वेश्चन जी तो देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करें कि ब्लैंक ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी तो सर सैयद अहमद खान ने की थी अठारह में अलीगढ़ मूवमेंट किसने चलाया था ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अली अलीगढ़ मूवमेंट किसने चलाया था अलीगढ़ मूवमेंट ये चलाया था फ्रेंड्स आपका सर सैयद अहमद खान ने ही ठीक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना ठीक है इन्होंने ही की थी पहले उसको औरिय, एंग्लो ओरिएंटल ठीक है मोहम्मद अन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानते थे तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी याद रखना है यहाँ पर में वो जो बुक्स होती थी विदेशी बुक इंग्लिश में फ्रेंच भाषा में या फिर इटालियन में उसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराते थे ताकि भारतीय भारत के अंदर में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके सी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड जिस बच्चे ने रिविजन आप लोगों की जो सपनों वाली क्लास नंबर दो जो मैंने ली थी उसको देखा होगा वो एकदम से देखेगा सिर्फ राज्यसभा और आंसर लगा देगा वो बोलेगा मुझे बाकी कुछ नहीं देखना सिर्फ वो राज्यसभा देखेगा ठीक है केवल और केवल राज्यसभा देखेगा और आंसर लगा देगा सपनों वाली क्लास ठीक है सपनों वाली क्लास ऐड होंगी क्या जी हाँ जितने देखिए जितने भी बच्चे

ठीक है 84 सीट्स जो है आप लोगों की क्या है एस के लिए एससी के लिए रिजर्व है 47 सीट्स सीट एस के लिए रिजर्व है लोकसभा में राज्यसभा की अगर मैं बात करूं आपसे राज्यसभा में एस सी एस टी जीरो सीट रिजर्व है कोई सीट रिजर्व नहीं है रिजर्वेशन है ही नहीं वहां पर में ठीक है तो इसको भी याद रखना आपने ऐसे भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का जीरो सीट लोकसभा में अच्छा चलो इसका टोटल बता दो ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन तो सपन वाली क्लास में भी पढ़ाया था ना आप लोगों को मैंने कि टोटल बता दो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में प्लीज उस क्वेश्चन को रख दिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ताकि रिवीजन के तौर पर वो लोग एक आंसर कर देंगे हम उसका आंसर कमेंट में पूछेंगे बच्चों से देखेंगे कितने बता पाते हैं टोटल लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व है तो रि राज्यसभा में कोई भी प्रावधान नहीं है रिजर्वेशन का अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी जल्दी बताइए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी फ्रेंड्स और इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा के भी और अखिल भारतीय किसान सभा के भी तो 1936 के अंदर में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी स्वामी सरस्वती के कौन थे, थे? सचिव कौन थे अध्यक्ष तो ये थे सचिव पूछ लिया जाए तो एनजी रंगा थे बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है ये बताएंगे आप सभी लोग बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है तो बिहार विधान परिषद की अगर हम लोग बात करें तो देखिए फ्रेंड्स विधान परिषद जो है केवल छह राज्यों में कौन कौन से छह राज्य है कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से ठीक है तो बिहार विधान परिषद की क्षमता जो है वो है आप लोगों की पचहत्तर ठीक है सेवेंटी फाइव है और याद रखना इसमें भी नो रिजर्वेशन ठीक है नो रिजर्वेशन इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है रिजर्वेशन नहीं है विधान परिषद के अंदर में विधान परिषद में भी कोई रिजर्वेशन नहीं होता है ठीक है जैसे राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता विधान परिषद में भी रिजर्वेशन नहीं होता कौन कौन से छह राज्य है ध्यान से देख लेंगे आप सभी लोग क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का विधान परिषद विधान परिषद कौन कौन से राज्य में छह राज्यों के अंदर में है फ्रेंड्स ठीक है एक है आपका यूपी ठीक है बिहार ओके यहां पर मैं आप लोगों को आ जाता है महाराष्ट्र यहां पर मैं आ जाता है आप लोगों का कर्नाटका ठीक है कर्नाटका यहाँ पर में आ जाता है आप लोगों का तेलंगाना तेलंगाना और यहां पर में आ जाता है आप लोगों का आंध्र प्रदेश तो ऐसे छह राज्य है जिनके पास में विधान परिषद है ठीक है तो बिहार के पास में भी है द्विसदनीय कहा जाता है विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद का भी होना ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स विधान परिषद में अभी संख्या ये है ओके निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक जिलों में लगती है ये वाली जो पीडीएफ है आप लोगों को ठीक है जो भी बच्चे आ, आप लोगों का जो क्लास हुआ था ना सपनों वाली क्लास का टेस्ट उसके नीचे में मैं डाल दूंगा इसकी पी को भी ठीक है ताकि आप लोग फास्ट फॉरवर्ड रिविजन भी कर सके उसको तो जो भी बच्चे है आप लोगों का जो फोल्डर बना हुआ है ना ऐप के ऊपर में उसी के अंदर में डाल देंगे इसको और मैं उन सभी बच्चों का यहाँ पर मैं हार्दिक जो है यहाँ पर मैं सभी बच्चों की तरफ से यहाँ पर मैं जो 2500 बच्चे देख रहे हैं उन लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा उन सभी पेड़ बच्चों का जिन्होंने परमिशन दी कि इस क्लास को मैं यूट्यूब के ऊपर में ले सकू ठीक है और YouTube पर लेने की क्योंकि उन लोगों ने जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी अमाउंट पे किया बट फिर भी वो उन्होंने परमिशन दी कि सर एक एक क्लास यहाँ पर मैं वाली क्लास का हम लोग ले सकते हैं तो उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा आप लोग भी थैंक्स बोल सकते हो यार अपने साथियों को ठीक है उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिक जिलों से लगती है तो देखिए फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि यूपी के साथ में आठ जिलों की सीमा लगती है आठ झारखंड के साथ में भी आठ जिलों की सीमा लगती है यूपी के साथ में आठ झारखंड के साथ में आठ ठीक है यूपी के साथ में आठ झारखंड बार बार मिट जा रहा है ठीक है चलिए कोई बात नहीं यहां पर मैं आप लोग देखिए यूपी के साथ में आठ ठीक है और झारखंड के साथ में भी आठ जिलों की सीमा लगती है तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स यूपी यूपी और झारखंड दोनों के दोनों आप लोगों के आंसर हो जाएंगे आठ आठ लगते हैं पश्चिम बंगाल के साथ में तीन राज्यों की लगती है तीन राज्यों की लगती है तो इस तरीके से आंसर मोर देन वन ऑफ द हो जाएगा आप लोगों का मोर देन वन ऑफ द अबो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया हुआ है चलिए देखिए ये एक ये होती है बड़ी बात कि बाकी लोग एक दूसरे को थैंक्स बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड हेल्दी कम्युनिटी टीचिंग परीक्षा एक बहुत हेल्दी कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की जहाँ पर मैं हेल्दी वे के अंदर में पढ़ाई हो रही है यहाँ पर मैं मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने यहाँ थैंक्स बोला है कुछ बच्चों ने वेलकम बोला है कुछ बच्चों ने कहा है कि सर बिल्कुल हमारे तरफ से परमिशन है देखिए कितने बढ़िया तरीके से कि इस ये होता है प्यार और ये होती है एक सहभागिता ठीक है कि एक दूसरे के साथ में मिलकर काम हो रहा है तो बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का भी चलिए नेपाल के साथ में कितने राज्यों की कितने जो है जिलों की सीमा लगती है बिहार के वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे ओके तो देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ नेपाल के साथ में तो नेपाल के साथ में सात जिलों की सीमा लगती है ये भी याद रखना आप लोगों ने निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि का सदस्य नहीं है नेटो का देखो नेटो के बारे में आपको बताया क्योंकि देखो टीआर वन के अंदर में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था नेटो का बताओ जल्दी से आया था ना क्वेश्चन नेटो का इसके बारे में मैंने बार बार सपनों वाली क्लास में बताया आपको नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर में है यह है आपका ब्रसेल्स के अंदर में ब्रसेल्स ब्रसेल्स ठीक है जिस जो कि बेल्जियम की राजधानी है बेल्जियम बेल्जियम की राजधानी है ओके क्वार्टर्स टोटल इसमें इकतीस देश है इकतीस उसमें यूएसए है फ्रांस है इटली है पोलैंड है बेलारूस आप बताइए इनमें से कौन सा वाला देश जो है नेटो का सदस्य नहीं है ठीक है तो यूएसए है आप लोगों का फ्रांस है इटली है ठीक है पोलैंड जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में देखना है कि कौन से देश नहीं हो सकता है थोड़ा सा आप लोग एक जो है ना एजुकेटेड गैस लगाने की कोशिश कीजिए ठीक है एक हल्का सा एक आप गैस लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग यहाँ पर में फिनलैंड जो है वो न्यूएस्ट जो है कंट्री बना है यहाँ पर मैं इसका सबसे नया वाला बेलारूस जो है ये आपका रशिया के तरफ वाला देश है रशिया की गोद में जाकर बैठा हुआ है वो बेलारूस ठीक है एक आपका यूक्रेन था जो रशिया की गोद से उतरकर जाने की कोशिश कर रहा था नेटो के तरफ में तो रशिया ने उसको गोलियों से भून डाला आप देख रहे हो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है बेलारूस जो है ना वो चमचा है रशिया का चमचा है सौ बात साफ बात भाई बेलारूस ठीक है तुम चमचे हो रशिया के ठीक है रशिया तुमको सप्लाई कर रहा है ठीक है और तुम जो है यहाँ पर हम यूक्रेन के ऊपर में मदद कर रहे हो यूक्रेन को लूटने में उसकी रशिया की तो बेलारूस नहीं है नेटो का मेंबर नेटो और रूस का जो है वो छत्तीस का आंकड़ा है याद रखना रूस नहीं चाहता कि नेटो के ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बने क्योंकि नेटो का मकसद ही यही है अगर एक भी इन इकतीस देशों में से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इन 31 देशों में से एक भी देश पर हमला हुआ तो सारे बचे हुए बाकी के 30 देश जो है उस हमला करने वाले देश पर हमला कर देंगे एक दूसरे की मदद करेंगे ये लोग अगर एक भी देश पर हमला हुआ मान लो जर्मनी पर हमला होता है तो सारे के सारे देश आ जाएंगे उसकी मदद करने के लिए कंपलसरी है सारे देशों को मदद करना तुर्की पर हमला होता है तुर्की भी नेटो का मेंबर है सारे के सारे देश आ जाएंगे यूएसए है कैनेडा भी जो है नेटो का मेंबर है तो इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक बनाया गया है नेटो का नेटो के बारे में और जानकारी चाहिए आप लोग कहोगे तो मैं नेटो के ऊपर में एक स्पेशल सेशन भी बना दूंगा आप लोगों के लिए ओके लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है तो लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है लोकसभा में अब आप लोग आंसर करो इसका चलो अनुसूचित जनजाति ट्राइब एस और एस तो यहां पर मैं एस के लिए एस के लिए पूछा है आपसे आंसर करो ठीक है एस के लिए पूछा है आंसर कर देंगे जब भी सभी लोग जल्दी जल्दी से एसटी के लिए पूछा है आप लोगों से आंसर करिए जल्दी से तो आंसर जो है फ्रेंड्स देखिए एससी uh, के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है तो 47 सेवन कहा दिया है क्या नहीं दिया है तो नन ऑफ दी आंसर हो जाएगा सिंपल अनुसूचित जाति लोकसभा में तो ई इज द करेक्ट आंसर कितने लोगों ने ई e आंसर लगाया है देखिए यहाँ पर मैं चैट रेट आप लोगों का में जिससे पता चला है कि आप लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस नहीं हो पाएंगी सभी बच्चे ने एक एक बच्चे ने अपना अपना जो है योगदान एक एक वोट जैसे काउंट होता है ना डेमोक्रेसी में वैसे आप लोगों का एक एक योगदान काउंट होगा यहाँ पर में तो हर एक बच्चा पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मैं कमेंट में कमें आंसर्स करते रहेगा ताकि मुझे लगे कि सभी लोग मिलकर पढ़ रहे तो ई इज द करेक्ट आंसर लिख दो एससी के लिए कितनी है एस के लिए कितनी है लोकसभा में ये बात लोकसभा की हो रही है हा? ये याद रखना लोकसभा की बात हो रही है नाउ लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की कितनी सीटें आरक्षित है यह क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके दोगे इसका आंसर मैं आप लोगों को यहां नहीं बताऊंगा इसका आंसर मुझे हर एक बच्चा जो है क्या करेगा कमेंट करके देगा ठीक है हर एक बच्चा जो है क्या करेगा कमेंट करके आंसर करेगा इसका हर एक बच्चा मैं देखूंगा कि कितने बच्चों के कमेंट आए हैं नीचे में एस और एस का मिलाकर एस और एस का मिलाकर कितनी सीटें हैं और उसका आंसर क्या होगा यहां पर में से आंसर करने के लिए तैयार हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स पच्चीस सौ बोला था आप लोगों ने उससे ज्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने तीन हजार प्लस लाइक्स कर दी है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आई होप आप सभी लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के और भी सेशंस मिलते रहे जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कहाँ पर में आरक्षण नहीं होता है कहाँ नहीं होता आरक्षण लोकसभा में विधान परिषद में राज्यसभा में मोर देन वन ऑफ दबो आरक्षण का प्रावधान कहां पर में नहीं है जिस बच्चे ने इस क्लास का जो है इस आ, क्लास को पूरी देखा होगा वो अच्छे से कर सकेंगे यहाँ पर में जी बिल्कुल नाइन टेंथ के लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा शशि बालाजी ओके okay, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करके बताइए आप सभी के सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहूंगा कि रिविजन बैच लॉन्च हो चुकी है आप लोगों की फोर नाइन्टी इसका प्राइस है फ्रेंड्स ठीक है बट अर्ली बर्ड जो ऑफर है उसके अनुसार तीन में मिल रहा है ठीक है तीन में जो बच्चे पेड बैच में है उन लोगों के लिए फ्री है पेड वालों के लिए फ्री है तो आपके पास में दो चांसेस है पेड वालों के लिए फ्री है ठीक है वालों के लिए फ्री है ये आप क्या कर सकते हो या तो रिवीजन बैच ले सकते हो एमसी के थ्रू हम लोग करने वाले या फिर आप लोग जो है फ्रेंड्स नॉर्मल जो बैच है उनमें से कोई भी ले लीजिए एक तो आपको पूरा बैच मिल जाएगी साथ ही साथ जो सपनों वाली क्लास है वो भी आप लोगों को उसके अंदर में फ्री में मिल जाएगी तो जितने भी बच्चे वो कर सकते हैं इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को ठीक है इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ऐप के अंदर में टीचिंग परीक्षा ऐप में किसी भी टीआर के बैच में चले जाइए आप लोग जो सपनों वाली क्लास की एक जो टेस्ट थी जो बच्चों के लिए रखी थी हमने उसके नीचे में आपको मिल जाएगी आप उसमें देख सकते हो टेस्ट ऑफ सपनों वाली क्लास दस

अगली होने वाली है जो पेड़ वाले बच्चे उन लोगों की तो होने ही वाली है टेस्ट ठीक है अगर आप चाहते हो कि YouTube पे उसका मैं वीडियो सोलूशन करवा दूँ तो वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर में और जो पेड़ वाले बच्चे हैं उनका रिवीजन बैच जो आपके सपनों वाली क्लास आपकी चल रही है उसका चार क्लास और होंगी बड़ी बड़ी जो मैंने कहा और उसकी भी मैं टेस्ट लूंगा आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या मैं एक ऐसी टेस्ट और लू जिसमें आठों क्लास का एक साथ रिविजन हो कितने बच्चे चाहते हैं जो पहली चार और आगे की चार आने वाली चार उन सबको मिलाकर एक और टेस्ट हो आपकी ताकि आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं हाथ ऊपर कर देंगे या फिर कमेंट करके बताइए कि जी हाँ सर एग्री करते हैं ऐसा भी होना चाहिए एक टेस्ट देखिए मैं आपके कंसर्न हूं आपकी रिविजन को लेकर मुझे पता है कि जो बच्चा रिविजन करेगा वो आगे बढ़ेगा जो बच्चा इस बात से एग्री करता है वो मुझे कमेंट करके ठीक है जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूंगा उसके बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि जी सर आठों क्लास का लेना है या नहीं लेना है ठीक है तो चार की तो मैं लूंगा ही पेट में अगर आप कहोगे आठों वाली भी ले लो तो मैं आठ की भी आप लोगों के लिए लेने के लिए तैयार हूँ जैसे आप लोग कहोगे लेना है पेट में लेना है जहाँ वहां पर भी हम लोग जरूर करेंगे उसको ओके सपनों वाली क्लास का जुगाड़ क्या करना है आ, शिवानी भारती जी बिल्कुल सिंपल सा है कोई भी आप पेट में चले जाइए वो उसकी एक वो लिंक्ड क्लास है एक्चुअली पूरी की पूरी पेट के साथ ओके चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय गॉड ब्लेस यू ऑल और जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि एक सिंपल सा तरीका है अगर आप लोगों को ये तरीका टफ लगता है तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के चैनल पर अभी आप लोग हो टीचिंग परीक्षा ठीक है टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर हो आप लोग ठीक है आप ऐसे आप चले जाएंगे यूट्यूब चैनल पर आप चले जाओगे होम पेज के ऊपर में ठीक है टीचिंग परीक्षा के ठीक है टीचिंग परीक्षा का यूट्यूब चैनल है ठीक है यहां पर मैं आप लोग चले गए आप लोगों का ये देखिए वीडियो चल रहा है आप लोगों का आप इस वीडियो में हो अभी नीचे में आप लोग जाओगे नीचे में आप देखोगे आप लोगों का यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है देखिए यहां पर मैं नाइन थ्री मिनट्स आप लोगों की क्लास चल रही है डिस्क्रिप्शन में जाओगे ये लिंक ट्री आपको दिख रही है इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना आप लोगों का देखिए यहां पर में एक और खुल जाता है आपको जो भी बैच आप लोगों ने इसमें से लेना है आप ले सकते हो इसके अंदर में क्लिक करके तैयारी चार का कोर्स लेना है आप लोग आप लोग कॉल कर सकते हो नंबर के ऊपर में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कुछ भी करना नहीं है जनरल स्टडीज की बैच लेनी है इसके ऊपर में क्लिक करोगे ठीक है आप आप लोगों को मिल जाएंगी जो जो भी आप लोगों की बैच है उसके ऊपर में आप क्लिक कर दीजिए आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आपके मोबाइल के अंदर में वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आप लोगों को वो क्लास मिल जाएंगी ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अगर कोई दिक्कत आती है आप लोगों की तो आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के साथ में आ, जो है आ, नंबर के ऊपर में क्लिक करके नंबर के ऊपर में कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो ओके okay? चलो थैंक यू वेरी मच टेक केयर एंड बाय गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स बाय थैंक यू